Friends, we are back today with our dear, uh, I should say, dearest friend, Kapil, <laughs> to speak to us on the latest case laws. Mm -hmm. It's been some time when uh, we missed hearing him, but I think Kapil would cover up the, from the time that. We have lost in between, and educate us on the latest judicial pronouncements that have taken up uh, that have taken place. There are quite a few ones. Uh, I think, uh, especially in relation to something which is very important. I feel this two two uh, issues that I feel important for this gathering. Perfect. one is. Non-mentioning of den in the orders, that is something, uh, and and the latest development in section one forty eight a, reopening of assessment one forty. These two are the, the issues which probably every one of us would be dealing with, and a clarity on that would definitely go would be a, go a long way in serving our clients in a better manner. कपिल जी स्टार्ट योर थैंक यू थैंक यू सर थैंक यू बिहारी लाल की जय हो सर इट्स जय लाइक दिस अब तो कृपा करू हे ही भांति सब तज भजन करु दिन राती. परमात्मा की कृपा हम सबको बहुत ज्यादा चाहिए एटलीस्ट मेरे को भी बहुत ज्यादा चाहिए आपके थ्रू जवानी जी सब लोगों के थ्रू जो मांगने की इच्छा रखता हो और जो मांगने के भाव से आया होने के भाव से नहीं मांगने के भाव से तो वो गिवर वाला भाव नहीं है यार यहाँ भाव है एटलीस्ट एज फार एज आई एमसर्न माई भाव श्रीवास्तव फॉर ब्लैसिंग एंड टू गेट दम इन अब सो दैट दे कैन हेल्प मी इन माई प्रोफेशनल एंडल लाइफ बोट तो सो इट इज लाइक दिस

जिनको मैं जाकर नहीं भी कर पाता टू सम तो सकता हूँ लिए लिए अच्छा बड़े और मेरे बड़े वेलविशर एक्सट्रीम वेल, वेल मेरे को आशीर्वाद देने के लिए साक्षात मौजूद रहते हैं तो वो मेरे लिए जैसे कहते हैं ना मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे मेरी कुटिया में आज राम जाएंगे तो आप सब मेरे लिए राम का ही रूप है तो ये जो क्या नाम आज की मेरी सम्मिशन है सर काकरा जी भी ज्वाइन हो गए काकरा जी जी तो आज की जो मेरा सम्मिशंस है राजेश भाई कल कॉन्स्टिट्यूशन डे है श्रीवास्तव जी मैं पढ़ रहा था न्यूज में जैसे मतलब जैसे अभी आज सवेरे जब उठा तो मेरे दिमाग में आया कि कल कॉन्स्टिट्यूशन डे है छब्बीस नवम्बर तो क्यों ना कुछ बातें आज के मौके पर मैं वो जो दो बड़े बातें बोली में लिखी भी थी भी थी हुई पर आपने तो मैं और उसको अच्छे से लू बट जैसे शुरुआत करने के लिए क्योंकि तो पिछली बार जहां मैंने छोड़ा था आपको याद होगा अगर आप थे तो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ रूलिंग्स डिस्कस कर रहा था जस्टिस कृष्णा की यल्युमिनियम कॉर्पोरेशन की कि कानून को बनाते वक्त लैंग्वेज कैसी रखी जानी चाहिए सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन का फोर जजमेंट का और उसमें तीन मार्ग मार्गदर्शन जो खिवानी जी आज के उसी से ज्वाइन करूंगा वो फैसला टैक्स लॉ लॉ का का ही ही था ही। उसमें ये बात जस्टिस कृष्णा जैसे महान जज ने ही कह सकते थे इस अंदाज में जो सुप्रीम कोर्ट के लिए बोल रहे थे फोर जज बेंच के लिए कि साहब ऐसा क्यों होता है कि हर एक जब इंटरप्रिटेशन का सवाल आता है तो वही इंटरप्रिटेशन सही मानी जानी चाहिए जो एस के खिलाफ हो और ये क्यों होता है कि आप लैंग्वेज को इतना सरल नहीं रख सकते कि जो आज भी प्रधानमंत्री जी ने बोला कि सिंप्लीफाइड लॉ बनने चाहिए देश में में वो बात कृष्णा जी जी ने 1970s के डिसीजन बोली थी और सॉरी मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है अगर मैं अपने प्रोफेशनल इंटरेस्ट को साइड में रख एडवोकेसी वाले को अपने केसेस को अपनी फीस को और उसको डिहोर्स रख के बात करूं तो इस सारी लिटिगेशन का जड़ ये लैंग्वेज ही है जो लैंग्वेज की क्लैरिटी जैन साहब कहीं दूर दूर तक नहीं नजर आती है हमें खासकर आप देखिए इनकम टैक्स एक्ट को जीएसटी एक्ट को जिस तरीके से हर एक फाइनेंस एक्ट सरल करने की बजाय रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट टू लॉ मेकर्स ऑल और जिस तरीके से वो कॉम्प्लिकेट हो रहा है मान लीजिए प्रोवाइजो पे प्रोवाइजो एक्सप्लेनेशन पे एक्सप्लेनेशन भाई साहब किसके समझ में आएगा वो और उसके लिए कितना जतन लगाना पड़ेगा ट्वेंटी सी नहीं सी इसीलिए जस्टिस कृष्णा के वो वर्ड की जो लाइट सी आई कैन रीड लास्ट टाइम क्यों नहीं इतना क्यों ये इतना मुश्किल है कि वह लैंग्वेज का चेंज करना जो जनसाधारण जन के समझ में आए बात क्यों हर एक के लिए एडवोकेसी की जूट पड़ेगी कॉम्प्लीकेट करना पड़ेगा लिटिगेशन में जाना पड़ेगा हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के कई राउंड होंगे तब समझ में आएगा कि वन फोर्टी नाइन वन का फर्स्ट प्रोवाइज कहना क्या चाह रहा है

कि उसको जो उसके खिलाफ इंफॉर्मेशन है उसको मांगने के लिए उसको हाईकोर्ट जाना पड़ रहा है आपको नहीं लगता है ये दो चार है एलिमेंट्री है मुझे अपने बेसिक राइट्स के लिए भी में लड़ना रहा है कि मुझे, नहीं मिल रहा। मुझे नहीं मिल रहा। मेरे खिलाफ चार्ज क्या यही नहीं मुझे पता है मैं मिस्ट्री में हूं, सस्पेंस में हूं। और फिर आप कह रहे नहीं, ये नहीं है, जो कर रहा है,

इसका ज्यादा ब्रॉडर एस्पेक्ट और सीरियस एस्पेक्ट ये है कि फॉरेन कंपनीज़ की इन्वेस्टमेंट रुक जाती है जो आप बोल रहे हैं ये बड़ा महत्वपूर्ण मैच्योर पॉइंट है कि हमारी जो इंटरनेशनली छवि क्रिएट हो रही है एक तरफ तो हम कहते हैं सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन एक तरफ हम कहते हैं आइए हमारे देश में हमारा कोई तो लिटिगेशन फ्रेंडली एटीट्यूड नहीं है तो तो जहां हम इस तरीके के एटीट्यूड देखते हैं कि आप फेयर भी नहीं है फेयरनेस का पमाना मेरे समझ से बिल्कुल बैक समझ में ये आता है जी अगर आप कोई भी डॉक्टर की डॉक्टर जीएसटी में तो मैं कह रहा हूं आधी से ज्यादा लिटिगेशन समाप्त हो जाएगी सर फर्स्ट लेवल पे क्योंकि जब आप कंप्यूटर से शो शोको नोटिस बनाकर भेज रहे हो जीएसटी में जिसमें कुछ पता ही नहीं है वो शो शोकोश का तो उसमें कोई गुण ही नहीं है आपको कोश ने शोकोश की परिभाषा में अंतर नहीं पता चल रहा है अभी तक भी के कितने तीन हाईकोर्ट की बच है और कुछ मनमोहन साहब के पास भी के पास, चार है। अगर आप इनके जजमेंट्स पढ़े डीबी टू के विभू भाकुरू साहब के और इनके यशवंत वर्मा जी के अभी यशवंत वर्मा जी का मैं एक फैसला पढ़ रहा था जो कोई बीटी इंडिया लिमिटेड के नाम से जजमेंट आप आया आप नोट कर सकते हैं इट्स डिसीजन बीटी इंडिया लिमिटेड यूनियन ऑफ इंडिया दिस इज अ वर्थ रीडिंग ऑर्डर इसका मैं आपको वो बता देता हूं डेट सब क्या है बीटी इंडिया जस्ट अ मोमेंट बीटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया छह ग्यारह दो हजार तेईस अब इस फैसले में जस्टिस यशवंत वर्मा की जो डिवीज़न बेंच का केस है ये इनडायरेक्ट टैक्स लॉ में है सर

चाहे लीजिए श्रीवास्तव साहब जिसमें देखिए अधिकतम शोको नोटिस के अंदर आप देखेंगे उसमें शोकोस का गुण कम है, का गुण क्या जिसमें आप डिटेल मांग रहे हैं उसको शोकोस कह सकते हैं आप जैसे हंस रहे काकरा जी ऐसे हंसकी नहीं आ रही आपको भी क्या क्वेश्नेर के अंदर शोकोस की आत्मा हो सकती है मेरे समझ में नहीं आ रहा कैसा कैसा मिश्रण हो रहा है

जो 16 17 18 19 20 के उनमें आप चेक करेंगे राजेश भाई इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने बिफोर फेसलेस खासकर उसमें आधे से ज्यादाओं में शोकोस दिया ही नहीं हुआ जबकि इंस्ट्रक्शन नंबर 20 बटा 2015 सीबीडीटी नोट कर लीजिए 29 दिसंबर 15 की इंस्ट्रक्शन बोर्ड इंस्ट्रक्शन खुद कह चुके शोकोस देना अनिवार्य है हाई के डिसीजन आ गए मद्रास हाई में जस्टिस अनीता सुमत बड़ी ल, आ, Erudite, judge, judge, उन्होंने अभी काफी फैसले लिखे उसमें उन्होंने फिर सुमत जी ने किम टैक्स में को शोका उसका दे सकते हैं जैसे एक असेस्में, एक असेस्में चल रही थी, उसमें क्या हुआ खिवाणी जी वन इनकम टैक्स की वहां साहब अपियर हुआ टैक्स का ही मैटर था इनकम टैक्स का ही तो इन्होंने कहा का साहब हमने क्वेश्चनर दे दिया दैट इज सफिशियंट इससे अपने आप समझ लिया की हमारे मन में क्या चल रहा है ऐसे कौन सा कोई समझ लिया हमारे भगवान ने कौन सी शक्ति दी हम कैसे समझ लेंगे तो कहने का मतलब यह है कि जो फेयरनेस वाली बात हो रही थी बेसिक राइटी right, का रही है शोकोज किसी और शोकोज के साथ जो मेटीरियल मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है और उसमें टाइम भी मतलब क्या दिस बस इज गोइंग ऑन तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो हमारा है और जो बात फेयरनेस की कृष्णा साहब ने अल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन में कही और जो बात सीबीडी इंस्ट्रक्शन बीस 20 बटा दो हजार पंद्रह बोल रहा है जो बात जस्टिस यशवंत वर्मा ने बीटी इंडिया लिमिटेड के जजमेंट में लिखी छह नवंबर दो हजार तेईस को मिला एक धागे में तो क्या निकल के आएगा और जो बात अनी सुमत मैडम ने लिखी अब उसमें क्या मैं एक बात कह रहा था खिवानी जी कि जैसे आपको कोई शोकोज आया कोई कोई को, आपको नोटिस आया टेल मी आई एम रॉन्ग और राइट सर डिपार्टमेंट चेरी पिक करके सर क्या करता है श्रीवास्तव जी ये बात जैसे हम अध्ययन करते रहते हैं सोचते रहते हैं तब हमें और दिमाग में आता है कि क्या ये संभव है कि आप चेरी पिक करें डिपार्टमेंट की किसी का स्टेटमेंट रिलाई कर रहा है और उस स्टेटमेंट के दो क्वेश्चन के आंसर जो आपके खिलाफ है वो चेरी पिक करके आपको बता रहा है भैया मेरे अगर उसके ऊपर और नीचे मेरे फेवर में कोई बात कही हो वो कौन देखेगा और यह का राइट right नहीं कि वो पूरा स्टेटमेंट उसको मिले या डिपार्टमेंट जो स्टेटमेंट दे रहा है ये उसी का प्री निगेटिव है प्री निगेटिव वर्ड अंडरलाइन कर लीजिए कि वो भी उसी का उसके लेजर है कि वो कितनी श्रद्धा आपको माने अच्छा श्रीवास्तव जी बहुत अच्छे आदमी है बड़े ढोसाइले इनको पूरा दे देते

उस फैसले के बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट राजेश भाई तो उस फैसले में 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 क्या हुआ 2018 में एक रीओपनिंग हुई थी पुराने लॉ इनकम टैक्स एक्ट दोनि अच्छा खिवानी जी जब एसएससी की रीओपनिंग हुई थी सर रीजन मांगता था जी के रिटर्न 148 का नोटिस आया रिटर्न भरी रीजन मांगे रीजन मिले दया करके उन्होंने परफॉर्मा वाले रीजन दे दिए वरना कई के केस में तो परफॉर्मा का रीजन अभी भी नहीं देते परफॉर्मा वाले रीजन मिले श्रीवास्तव जी अब उसका उसने ऑब्जेक्शन किया उस वाले रीजन में का एक लाइन था जिसमें सिर्फ ऑटोग्राफ करके सिग्नेचर सेंशन कर है, है राजेश भाई एनी हाउस तो उसमें ऑब्जेक्शन लिया एओ के सामने की सर आपका रीओपनिंग गलत है सेंक्शन भी मैकेनिकल है सिग्नेचर अप्रूवल लिया अब एओ ने खिवानी साहब ऑब्जेक्शन डिस्पोज कर दिया उस सब बातों को देख लिया पर वो जो सेंशन वाली बात थी उसको वो इग्नोर कर गए हम रिट में आए रविंदर भट्ट साहब जब जज हाईकोर्ट के जज थे उस टाइम दो में तब उनके सामने पहली हमारी हियरिंग लगी दो में तो सर उन्होंने मेरी रिट मुझे गुना बोले कि वन फोर्टी एक बार इसकी अग्नि परीक्षा थी फोर्टी एट के ऊपर था 148 था सेकंड टाइम तो उन्होंने मुझे बोलने नहीं दिया कि मिस्टर गोयल हम तो इसमें स्टे कर रहे हैं नोटिस इशू कर रहे हैं डिपार्टमेंट को थोड़ा बहुत डाटा लगाई और नोटिस इशू कर दिया चलिए ये मैं ऐसे बता रहा हूं ताकि आपको पूरी कहानी समझ में आए अब 2023 में इसका राजेश भाई उद्यापन हुआ मानिए साहब की कोर्ट के अंदर अब जब हम शकदर साहब में पहुंचे छब्बीस कोर्ट तो 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 में बात, के कई बार भी तारीक पे, तारीक, हमारा प्रारंभ जागा शशि का सॉरी मेरा नहीं शशि प्रारंभ जागा <laughs> तो खिवानी जी क्या हुआ तो जस आपने बोला भैया देखो टाइम कब है मिस्टर गोयल कुछ कम समय में ज्यादा बात बता सकते हो तो बता दो मैंने फिर अपना जी जब उस समय जैसे होता है ना भैया तुम्हारे को प्लेटफॉर्म पे इतना टाइम मिला जल्दी बता दो जो बताना है तो मैंने कहा सर मेरे को कुछ नहीं कहना एक सेंशन वाला पॉइंट में पढ़ देता हूँ दिखाओ तो मैंने उनको एटोग्राफ वाला वाला सेंक्शन दिखाया और डिपार्टमेंट का इसमें काउंटर आ गया था अब कहानी का क्लाइमेक्स चालू होता है इन्होंने जब रिट में डिपार्टमेंट ने काउंटर फाइल किया हमारी रिट के ऊपर तो उसमें ये लिखा कि साहब हाँ ये बाकी सब फैक्ट्स तो सही कह रहे हैं हमारा एक इंटरनल लेटर भी है जो एओ को सीआईटी ने लिखा था कि मैंने तुम्हारे रीजंस को अप्रूव कर दिया है वो लेटर उन्होंने कभी काउंटर में भी नहीं लगाया ना हमें दिया अब इस बैकग्राउंड में हाई कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट ने ये तो होल्ड किया ही किया कि ये ये अप्रूवल मैकेनिकल है और ये सब बातें जो मिस्टर गोयल कह रहे हैं वो सही है। बट जो लैंडमार्क पॉइंट इसमें लिखा है जिसको डिपार्टमेंट को अभी भी फॉलो करने में मुझे लग रहा है दिक्कत हो रही है होगी या वो नहीं करना चाह रहे हैं वो ये है सचिद खेवानी जी कि उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट ने ये रेशियो ले डाउन कर दिया कि अगर आपने कंप्लीट सेंक्शन अलॉन्ग विद रीजन एस को सप्लाई नहीं किया तो इसी पॉइंट पे पूरा वन फोर्टी एट क्वेश होगा इट डाउन इन दिस सो कॉल्ड फेयर फेयर टैक्स दिसम सॉरी द इनकम इनकम ग्रेट टैक्स डिपार्टमेंट आवर सॉरी इज नॉट रेडी इज नॉट रेडी टू शेयर द अप्रूवल सी देर आर टू आस्पेक्ट ये पुराने लॉ का केस था बट हाईकोर्ट ने क्या कहा वो लेटर जो उनका इंटरनल है वो भी उनको परफॉर्मर रीजन के साथ एस को देना चाहिए था जबकि

ITO, Tia, T, T, for, T Tia. for Tamil Nadu, I for Ireland, E for England, Tia. Tia yes. Enterprises Private Limited. Enterprise Private Limited. Chabbi September, those are Delhi High Court, Justice Rajiv Shekhda. Hmm. So, non communication of the sanction with the reasons is held to be fatal by my lords in this order. And if this proposition goes down the line, now you check it. आज श्रीवास्तव जी जो नए लॉ में रिओपनिंग हो रही है 2021 में नया लॉ आया था इसकी पहली बर्थ बर्थ जो थी जन्म जो नया 148 का बड़ा अच्छा लॉ है जिसको हम ये कहते हैं इसके ऊपर तीन तीन स्टैंप लगी हुई है ईज ऑफ डूइंग लेस लिटिगेशन और लेसर नंबर ऑफ केसेस ये स्टैंप लगी हुई है इस पर आप कहेंगे आप आप स्टैंप कहां से लगा रहे मैंने तो ना लगाई है तो ने बोला था उन्होंने पहले मेरी औकात नहीं है कोई स्टैम्प लगानी अब अब ऐसे लॉ के ऊपर जिसपे तीन स्टैंप लगी हुई है राजेश जी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लेस लिटिगेशन एंड लेसर नंबर ऑफ केसेस जो अपने आप को ढूंढ रही है कैसे पूरी हो रही दो हजार बाईस चला गया दो हजार इक्कीस चला गया दो हजार बाईस चला गया दो हजार तेईस का भी तीन सीजन चले गए तीन, तीन आप सोचिए कि इस लॉ को लाने की कितनी अच्छी उद्देश्य थी जो नया लॉ आया 148 का उसमें जितने भी 148 हुए श्रीवास्तव जी हमारे दिल्ली की बात कर रहे हैं यू प्लीज विद मी जितने भी केस हुए हैं इंक्लूडिंग जो 2023 में अभी ओपन हुए हैं अयास के क्वेश्चन कि कितने केस में इन्होंने मांगने के बाद भी जेंटर हमें दिया है और नए लॉ में सेंशन जरूरी देना इससे ज्यादा जरूरी क्यों है ओल्ड लॉ में आप मेरी बात नोट करिए मैं गलत हूं तो मैं सोच रहा था एंटरप्राइज नए लॉ के सेंशन ना देने में क्यों लगता है क्योंकि थिवानी जी जब पुराने लॉ में हमें रीजंस मिलते थे और के हिसाब से हम ऑब्जेक्शन देते थे हम सैक्शन को भी चैलेंज कर सकते थे अगर हमें सेंक्शन मिल रहा है या हमें सैंक्शन किस स्टेज पे अब हो रहा है सिर्फ नए लॉ में सेंशन पहले तो बी के स्टेज पे भी होता था शो पे पे सर सर अब सिर्फ सैंक्शन श्रीवास्तव जी डी के स्टेज है एम एम आई आई राइट और रॉन्ग जब नया लॉ आया था मैं रिपीट कर रहा हूं तब वन फोर्टी सैंक्शन शो कॉफ स्टेज पे भी था दो हजार बाईस ने उसको हटा लिया आज की तारीख में जब नया लॉ में वन फोर्टी एट हो रहा है सर सैंक्शन सिर्फ एक ही जगह है नए लॉ में जब वन फोर्टी नोटिस आता है जब डी का ऑर्डर फिट केस जैन सा पास हो जाता है तो उसमें सैंक्शन देना नोटिस के साथ और भी ज्यादा आवश्यक है क्योंकि आपका केस रीओपन हो चुका है अब आपको असेसमेंट जाकर अपनी असेसमेंट करानी पड़ेगी तो असि अपना दुखड़ा रोएगा मान लीजिए अब इसका मतलब तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि डिपार्टमेंट की अगर बात मान सैंक्शन नहीं देंगे हम और मांगने के बाद भी नहीं देंगे तो इसका मतलब सैंक्शन चैलेंज कब करेगा श्रीवास्तव जी अपॉर्चुनिटी टू चैलेंज तो तो उसका राइट आपने ये, ये 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 आप सब मेरे से बहुत बड़े हैं मतलब इसका मतलब लॉ मेकर्स की इंटेंशन इज नए लॉ के जिसके अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फिर मैं बोल रहा हूँ केसेस और फिलहाल निमकाना सब है गुण अच्छे गुण सारे गुण है छत्तीस गुण उस गुण के बावजूद भी आप सेंक्शन नहीं दे रहे और उसके बाद भी आप कह रहे कि नहीं एसएससी मांगेगा तो भी नहीं देंगे हाँ तुम हाईकोर्ट जाओगे हाईकोर्ट से डायरेक्शन दिला लोगे तब हम दे देंगे मेरे से जज साहब ने भी इस केस में कहा कि हम आपको एक केस में दूसरा केस भी नोट कर लीजिए इसके अगले दिन डिसाइड हुआ गुडवाला एंड संस सत्ताइस सत्ताईस का दिल्ली गुडवाला 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 जी वाला सर जैसे जी हमारे गुडवाला किवानी जी हमारे लिए गुड़ है तो गुड वाला नए लॉ का था, ये था, वाला वाला नहीं था। तो वहां सुनील अग्रवाल साहब डिपार्टमेंट के वकील प्रेजेंट थे उनसे पूछा तो उन्होंने से सेंशन नहीं दी गलती तो है बट उन्होंने कहा इरेगुलरिटी है इनलीगैलिटी नहीं है कोर्ट ने फिर भी उसको प्रोसीडिंग को क्वेश्च कर दिया इस बात कि वन ऑफ द ग्राउंड ये था कि सेंक्शन नहीं मिला मुझे तो मेरा कहना यह है सर हाईकोर्ट का जजमेंट अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है इवन सीबीडीटी की जो गाइडलाइंस है एक अगस्त बाईस की जो नए लॉ के लिए आई थी आप नोट कर लीजिए उसमें लिखा हुआ है खेवाणी जी एक अगस्त बाईस की सीबीडीटी की अपनी गाइडलाइन में कि जो नए लॉ में 148 होगा उसमें बकायदा परफॉर्मा के साथ सेंक्शन रीजन के साथ आएगा सॉरी वन डी के ऑर्डर के साथ आएगा राजेश भाई आप सेंक्शन सही है या नहीं है

सौ तिरपन डी की अप्रूवल उसमें नीचे ऑर्डर में ये तो लिखा हुआ राजेश भाई सर्च असेसमेंट का ऑर्डर तिरपन डी के अप्रूवल के साथ पास हुआ है किसी भी केस में डिपार्टमेंट ने ईमानदारी से ऑनेस्टली और ग्रेशियसली वो अप्रूवल कभी भी नहीं लगाई ऑर्डर तो मैं आप बढ़े सर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसका मतलब या तो हाई कोर्ट की और हमारी जू बिल्कुल गलत चल रही है और राइट टू बी ट्रीटेड फेयरली हमारे देश में संविधान में नहीं है और ये सब सेंक्शन मांगने के बाद भी ये सिर्फ इंटरनल डॉक्यूमेंट डिपार्टमेंट के अपने काम के लिए है इस पर सशि को देखने का कोई अधिकार ही नहीं है अच्छा हमें क्या पता चलेगा कि आपने इसमें फिर आपकी बात आएगी सबसे इंपॉर्टेंट जी कि इस इतने इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन में जो स्टेच्युटरी कम्युनिकेशन है सेक्शन और डी कोई इंटरनल कम्युनिकेशन नहीं है वो इट इज एन एक्सटर्नल कम्युनिकेशन यू तो आप या तो बोलिए कि इंटरनल कम्युनिकेशन है नो इट इज एन एक्सटर्नल कम्युनिकेशन इट इज इजुटरी कम्युनिकेशन जी तो उस पर डिन क्यों नहीं होगा नोट क्लाइमैक्स है डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर सेपरेट यूनिक ऑन सेंक्शन एंड के अप्रूवल पे और पे नहीं, नहीं है, पे है तो कहने का और इस पे जो बॉम्बे हाईकोर्ट ने रुख अख्तियार किया है 459 फिफ्टी ये जजमेंट नोट कर लीजिए सर 459 फिफ्टी आईटीआर पेज नंबर 100 ये अभी आईटीआर है जो नया लेटेस्ट वॉल्यूम चल रहा है श्रीवास्तव साहब

होगा दो तायर, एक तो वो लिखेगा जो जो का है है कि कि क्या कागज मिले दूसरे से संबंधित तो, तो, तो। और एक जो उसका अपना है वो लिखेगा कि किस किस साल की क्या क्या इनकम है जो अदर पर्सन का है वाइज सेटिस्फेक्शन लिखेगा वो सेटिस्फेक्शन नोट पे क्या इंडिपेंडेंट डिन होना चाहिए यह मुद्दा था बॉम्बे उच्च न्यायालय के सम्मुख अशोक कमर्शियल एंटरप्राइजेस में असेसमेंट में और असेसमेंट ऑर्डर का भी था, था श्रीवास्तव कोर्ट तो ने दोनों बातों को लिया सर्कुलर पढ़िए सर्कुलर कौन सा सर्कुलर नंबर चौदह बटा उन्नीस नोट कर लीजिए सर सर्कुलर नंबर उन्नीस सॉरी सर्कुलर नंबर उन्नीस बटा दो हजार उन्नीस डेटेड चौदह अगस्त सॉरी सर्कुलर नंबर नाइनटीन पब्लिक टू थाउजेंड नाइनटीन डेटेड चौदह अगस्त पंद्रह अगस्त से पहले के दिन का आया था ये पंद्रह अगस्त से पहले लाया गया था इसका पर्पज था <laughs> ये श्रीवास्तव जी मैंने ढूंढा ना इसका पर्पज <laughs> ये था कि वो आ, मैं नहीं बोल रहा हूं प्रेस रिलीज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रेवेन्यू सेक्रेटरी जो समय मिस्टर पांडे होते थे उनका प्रेस रिलीज आप पढ़ेंगे कि वो क्रांतिकारी लाना चाहते थे पीएम का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि साहब देश के अंदर टैक्स टैक्सपेयर के साथ ऑनेस्टी बढ़ती जाए इसलिए डिन नंबर लाया जा रहा है ये बात कहां लिखी हुई है प्रेस रिलीज जो चौदह अगस्त उन्नीस के सर्कुलर को फॉलो कर रहा है

तो, हाँ, तो तो तो, तो हाँ, सर सकते हैं तो जजमेंट सही है नहीं है आप जाइए लड़िए कपिल गोल जैसे वकील को हायर करिए उसको दक्षिणा दीजिए वो लड़ेगा केस वो जाएगा कचहरी में चक्कर काटेगा फिर तारीख पे तारीख भी पढ़ सकते फिर डिसाइड होगा फिर आधे राधे करेंगे बाकी बिहारी लाल की जाए सॉरी ऐसे बोलो तो सोचिए नहीं मैं, मैं वापिस आ रहा हूं कहां चला गया था मैं सर्कुलर नंबर उन्नीस बढ़ा दो हजार उन्नीस के सर्कुलर जिसकी चार साल की आयु हो गई जिसमें चार बरस बीत गए उसमें भी डिपार्टमेंट को इस सर्कुलर को मानने में जहां वो फेल हो रहा है जहां उन्होंने खुद इसको लाइटली ले लिया मतलब भैया आप जी मैं इस सर्कुलर को अगर आपको पढ़ के बताऊं सर इसमें श्रीवास्तव जी बड़ा क्रक्स में इसमें लिखा है कि कोई भी कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन वर्ड है कम्युनिकेशन वाइज दिन होगा आप नोट कर लीजिए कम्युनिकेशन मतलब एनी ऑर्डर एनी नोटिस एनी अप्रूवल सब कम्युनिकेशन है जो भी लोगों का बात में करूंगा मैं में दिमाग फ्लो में चल रहा है आ, नहीं मेरे दो, दोस्तों लिख था ना बुरा नाम हाथ जोड़ के तो क्योंकि ये दिन का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है वहीं आ गई जी देखिए सर्कुलर नंबर चौदह बटा उन्नीस उन्नीस बटा दो हजार उन्नीस चौदह अगस्त उन्नीस और अशोक कॉमर्शियल एंटरप्राइजेस बॉम्बे हाईकोर्ट का ऑर्डर प्लस ब्रैंडिक्स और उसके बाद एक और ऑर्डर आ गया टाटा मेडिकल ट्रस्ट वो भी लिख लीजिए कैलकटा हाईकोर्ट का 169, तीन एक, एक, एक चेन्नई का भी आ गया मद्रास हाई कोर्ट का डिसीजन इतना साउंड नहीं था। वो तीन बेंच के है दो अगेंस्ट आए केरला और अलाहाबाद हमारे अगेंस्ट उनकी भी चर्चा करूंगा ने अगेंस्ट व्यू ले लिया है और हाई कोर्ट टाटा मेडिकल ट्रस्ट फोर फिफ्टी नाइन थ्री डिवीजन बेंचेस आर इन फेवर हाई कोर्ट के टाटा मेडिकल ट्रस्ट के जो जज हैं डिवीजन बेंच के वो शिवंगनम साहब है देश के अंदर सबसे माने हुए टैक्स जज हैं इस समय के और बॉम्बे हाईकोर्ट के जो जज हैं जर श्री राम साहब हैं वो भी बॉम्बे हाईकोर्ट के टेक्सेंट बैठ कर रहे हैं और हमारे ब्रांडिक्स में जो जज हैं हैं साहब एनी हाउ तो बात मुद्दे पे आती है कि सर्कुलर क्या कहता है जी पहले एक बार सर्कुलर को दोबारा से समझ लेते हैं सर्कुलर ये कहता है सर कि कोई भी कम्युनिकेशन इस डेट के बाद से जब तक उस पर डिन कोटेड नहीं होगा उसकी बॉडी ऑफ ऑर्डर में बॉडी ऑफ दी कम्युनिकेशन में अगर बॉडी में नहीं कर पा रहा है मैनुअल जनरेट हो रहा है किसी वजह से

अब उसमें डेन कोटेड भी नहीं है और बाद में एक इंटीमेशन आ रही है साथ। बाद में का मतलब जब ऑर्डर के साथ एक अलग से आ रही है इंटीमेशन अलग से कि देखो ये देखो तुम्हारा अब नोट करो खिवानी जी बड़ी इंटरेस्टिंग बता रहा हूं आपका आंसर भी चाहिए वो इंटीमेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है उस इंटीमेशन में यह लिखा हुआ है कि हम आपको सूचना देते हैं कि आपका जो निर्धारण ऑर्डर पास हुआ है और जो आपका डिमांड नोटिस संलग्न है उसके साथ उन सब का एक कॉमन डेन है पे साइन भी नहीं है कॉमन डेन और साइन नहीं है वो कैसे उस पर डेजिग्नेशन लिखा हुआ है उसी सेंट्रल सर्कल के एओ का रामलाल जी एसीआईटी सर्कल सो सो एंड अब इसमें तीन मुद्दे पैदा होते हैं जो आप नोट कर लीजिए तीनों का उत्तर दूंगा डिपार्टमेंट बहुत सेट बैक पैसक और फॉर इट्स ओन फॉली और क्यों डिपार्टमेंट और जो डिसीजन विद ड्यू रिस्पेक्ट अगेंस्ट आए वो क्यों सही नहीं है आप पहले ये सोचिए कि जिस व्यक्ति ने सर्कुलर सर्कुलर किस सेक्शन में जारी किया बोर्ड ने सर बोर्ड को किस सेक्शन में पावर है उसमें लिखा है सर्कुलर में बिल्कुल पढ़ाया गया जब से हम नर्सरी में सर्कुलर इश्यूड बाय द बोर्ड अंडर सेक्शन 119 इज बाइंडिंग ऑन द यूको बैंक का लीडिंग जजमेंट पढ़ लीजिए सुप्रीम कोर्ट का यूको बैंक का लीडिंग अथॉरिटी है वर्गीस भी है तो उसमें श्रीवास्तव जी यूको बैंक में सुप्रीम कोर्ट ने यही बोल रखा है और उसके बाद और भी जजमेंट जो यूको बैंक के बाद आए हैं कि अगर कोई सर्कुलर 119 में जारी होता है और उसको विभाग पालन नहीं करता है तो वो असेसमेंट नल एंड होगी जैसे उदाहरण के तौर पर आपको याद दिला रहा हूं जैसे एक सिक्यूटनी सिलेक्शन का इंस्ट्रक्शन आता था बोर्ड का अभी भी आता है जो मैनुअल तो उसमें लिखा होता है कि ये केस आएंगे ऐसे आएंगे तो कई बार ये बात चली बीच में एक बार खिवाणी जी सर्कुलर आया था बोर्ड का पीछे कि इतने महीने में केस सिक्योरिटी के लिए सिलेक्ट हो जाएगा तीन महीने में कुछ मैं आपको तीन चार चार पांच साल पहले की बात बता रहा हूँ और बहुत सारे केस उस इंस्ट्रक्शन के वायलेशन में तीन महीने बाद हुए थे मतलब उसमें श्रीवास्तव जी बहुत सारे हाई हाईकोर्ट्स ने इंडिया में कहा कि वो इंस्ट्रक्शन जो सिक्योरिटी में सिलेक्शन लेने का सिविलिटी का अगर उसका पालन नहीं किया गया तो पूरी असेसमेंट न लैंड उसमें एक लीडिंग जजमेंट आपको लिखा रहा हूं बाकी आप पढ़ते रहिएगा अरविंद एक जजमेंट है आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का नयन देडिया बहुत लीडिंग जजमेंट है नयन देडिया एन ए एवाई एन नयन देडिया

तो उसके वॉयलेशन में आपको 292 भी कोई पार्डन नहीं हो सकता है कोई मरसी नहीं हो सकती है कोई उसमें ये नहीं है कि आप एक्सक्यूज देने लगे नहीं हमें पता नहीं था ये सर्कुलर कैसे लगेगा या हमें प्रैक्टिकल डिफिकल्टी थी कुछ जगह सीआईटी पी के सामने पॉइंट लिया गया सेंट्रल सर्कल में दिल्ली में श्रीवास्तव जी वो क्या कह रहे हैं कि नहीं सब सेंट्रल सर्कल हैंडीकैप वो टाइम पास केस चल रहे थे उस समय उनके पास कुछ जेनविन डिफिकल्टी थी तो भैया जेनविन डिफिकल्टी थी तो उन्हीं का डिपार्टमेंट था सर्कुलर को बोल देते कि एक और एक्सेप्शन बैकडेट से एड कर देता हमारे देश में वैसे भी बहुत कुछ बैकडेट से हो जाता है गवर्नमेंट में तो ये क्यों नहीं हुआ मतलब सी या तो आप ये समझा जा रहा है कि हर एक ऑफिसर को यह इजाजत थी कि जिसको सर्कुलर फॉलो करना है वो करे और जिसको नहीं करना है वो अपनी इच्छा अनुसार जो मर्जी करे सर्कुलर की आई नहीं भैया सर ये 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 खिवानी जी यू सॉरी मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूं क्योंकि जब हम देखते हैं कि वही डिपार्टमेंट जिसने सर्कुलर जारी किया है वही इसको कह रहा है कि इसका पालन नहीं हुआ ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव था सर रिकमेंडेटरी था सर इसमें नहीं हुआ तो ये तो क्यूरेबल एरर है सर इरेगुलरिटी है सर तो सर आपने उसमें नॉनेज क्यों लिखा सर चार साल तक वो एसडीडी क्यों है सर गवर्नमेंट का उस पर इतना फिर आप फेसलेस भी ला रहे आप कह रहे हैं डिन भी ठीक से जनरेट नहीं करेंगे और हम सब कम्युनिकेशन का एक अब ये देखिए जादू एक और श्रीवास्तव जी आई एम टेलिंग यू श्रीवास्तव जी दिस आई एम सबमिटिंग टू यू काइंडली थिंक की वेदर डिपार्टमेंट कैन टेक दिस काइंड ऑफ स्टैंड की दैट फॉर नंबर ऑफ कॉम्युनिकेशन कंबाइंड दी कैन जनरेट एड कॉमन डिन ज इट द सर्कुलर स्पिरिट आप कमाल no. है कमाल है सर मतलब फिर तो इसका मतलब फिर, तो। फिर आप सी कॉम्युनिकेशन वाइज डिंट की कहां रही? आप no. असेसमेंट में पांच डॉक्यूमेंट अपनी श्रद्धा के कन्वीनियंस के हिसाब से बोल देंगे आई एम टेलिंग यू सर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट काइंडली कर

उसमें टीडीएस विभाग ने क्या किया बड़ी इंटरेस्टिंग केस स्टडी आप सबके लिए उसमें क्या किया टीडीएस विभाग ने 201 का एक ऑर्डर पास किया टीडीएस में डिफॉल्ट करके और दिन की व्यवस्था उसमें क्या थी वो मैं आपको थोड़ा दृष्टांत दृष्टांत दे रहा हूँ तो राजेश भाई सोचिए कैसा दो में चार साल बाद दिन की व्यवस्था इनकम टैक्स विभाग के टीडीएस के ऑर्डर में कैसे उसमें एक स्टैंप लगी हुई है Law बोलता है सर्कुलर बोलता है इट विल बी कंप्यूटर जनरेटेड ट्वेंटी डिजिट डेन इलेक्ट्रॉनिक जनरेटेड मैं अपनी तरफ से बना के नहीं बोल रहा हूं सर्कुलर में भी लिखा हुआ है प्रेस रिलीज में भी लिखा हुआ है इसके बाद जो एसओपी आया उसमें भी लिखा हुआ है इस इस 201 के ऑर्डर में श्रीवास्तव साहब कैसे डिन लगा हुआ है एक जैसे नहीं होता वो पहले पुराने जमाने में वो रेफरेंस नंबर के लिए ठप्पा लगता था वो एक ठप्पा सा लगा हुआ है उसके अंदर लिखा हुआ है चार डिजिट का कोई नंबर लिखा हुआ है फोर डिजिट का अब मैं जब रिट में गया जस्टिस के पास पहले दिन रिट लगी थी तो मैंने कहा सर ये देखिए इन्होंने क्या किया ये कह रहे हैं कि हमारा चार डिजिट का डिन है पहली बात तो चार डिजिट का सर तो ये तो मुझे आप लोगों से पता अल्फा न्यूमेरिक होता है वो वो चार डिजिट का नंबर डिन कहां से बन गया अब तीसरी बात आप कह रहे हैं नोटिस ऑफ डिमांड जो उसके साथ है राजेश भाई और टीडीएस का ऑर्डर है सबका कंबाइंड कॉम्बो डिन है कॉम्बो कॉम्बो

और ये इलेक्ट्रो मतलब सी जो बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद बोल रही है इलेक्ट्रॉनिक होगा कंप्यूटर से जनरेट होगा जिसमें बीस एल्फाउि आप कह रहे नहीं कॉम्बो हो सकता है तो श्रीवास्तव जी मेरी सबमिशन में सर यह अशोक कॉमर्शियल एंटरप्राइजेस का जो ऑर्डर है इन तीनों ऑर्डरों में कि कम्युनिकेशन वाइज सेपरेट डिन इज मस्ट और देखिए इसमें ये आर्गुमेंट लेना कि अगर डिन नहीं जनरेट हुआ तो उसमें एसएससी का प्रेजुडाइज क्या हुआ

एक जजमेंट है आप नोट करना चाहे जस्टिस फ्रेंकफर्ट यूनाइटेड सुप्रीम कोर्ट का यूनाइटेड स्टेट सुप्रीम कोर्ट का इसका नाम है वी आई टी ए राकेश खिवानी जी गूगल पे भी मिल जाएगा आपको जस्टिस फ्रैंकफर्ट यूनाइटेड वर्सेस सेटन इसके श्रीवास्तव कुछ लाइंस पढ़ रहा हूं एन एग्जीक्यूटिव एजेंसी मस्ट बी स्टैंडर्ड्स बाय विच

बात और हमारे देश एक और इसका सुप्रीम कोर्ट का यूएस का ही है वो वो हमारे देश के ये हमारे देश के इंडिया की सुप्रीम कोर्ट के अनगिनत ऑर्डर में साइटेड है आप गूगल करेंगे सब मिल जाएगा एक यूनाइटेड स्टेट सुप्रीम कोर्ट के जज हुए हैं जस्टिस डॉगलास उन्होंने क्या लिखा खिवानी जी कोर्ट इट इज प्रोसीजर दैट स्पेल्स मच ऑफ द डिफरेंस बिटवीन रूल ऑफ लॉ एंड रूल ऑफ विम और कैप्राइस स्टेड फास्ट एदरेंस टू स्ट्रिक्टेस्ट प्रोसीजरल सेफ गार्ड आर द मेन एश्योरेंसिस

फॉर विक्ट्री वी आई टी ए विटारेली वर्सिज सेटन जस्टिस फ्रेंकफर्ट विटारेली वर्सिज सेटन और दूसरे का नाम था यूएस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का जस्टिस डॉगलस का यूनाइटेड इन ज्वाइंट एंटी फासिस्ट रिफ्यूजी कमिटी ज्वाइंट एंटी फासिस्ट रिफ्यूजी कमिटी वर्सेस मैग्रा तो ये दोनों जजमेंट

आपने अप्रूवल ले ली अच्छा वो अप्रूवल आपने फाइल में ले ली दोबारा को बताई नहीं ऑर्डर में नोटिस ऑफ डिमांड में कहीं उन्होंने दिन मैं नहीं किया और सेपरेटली आपको एक लेटर दिया स no, सर सर ये, सर ये तो है किसमेंट ऑर्डर में एक हाथ से डिन लिख भी दिया या कम, एक टाइप करके मैनुअल ऑर्डर में और वो डिन कॉमन है मैं ये कहना चाह रहा हूँ श्रीवास्तव जी की जो जो जूरिंग स्टूडेंट जो सेंसिबल अंडरस्टैंडिंग सर्कुलर से पैदा होती है राइट माइंडेड अंडरस्टैंडिंग

पैरा का पालन किया था वो एक्सेप्शन में फॉल करता था और उसने चीफ कमिश्नर से एक इंटरनल फाइल पे लेकर रखी भी थी भाई ये सारी बातें उसने फॉर्मेट के हिसाब से पैरा थी के से, में लिख थी। इस बात पे कल हर्ड कर दिया उस पे, गलत है ना, आप मेरी बात नहीं समझे दूसरे आगे आ गया मैं कह रहा हूं अगर दिन है भी और उसमें इंटरनल अप्रूवल भी ले रखी है सी सीसी की पर वो पैरा के अंदर एक जो फॉर्मेट बता रखा है कि आप एक्सेप्शन में वो में ही डालेगा, में ही डालेगा वो ऑर्डर में में डालेगा डालेगा बॉडी उस कम्युनिकेशन की कहां है और वो ना डालना भी फैटल है आप तो कह रहे हैं कि मिस्टर गोयल जिस केस में नोटिस ऑफ डिमांड में या में ऑर्डर में डिन लुप्त है दिखाई नहीं दे रहा कहीं है ही नहीं तो वो तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट केस है सर मैं कह रहा हूं सर जिसमें डिन लिख भी दिया और वो कंप्यूटर जनरेटेड नहीं है वो ट्वेल्व ट्वेंटी डिजिट नहीं है और वो क्या नाम यूनिक uh, नहीं है कम्युनिकेशन वाइज तो कैसे बात बनेगी मीनिंग देर बाई वी मस्ट इंसिस वी मस्ट गो बैक टू दैट सर्कुलर टू थाउजेंड नाइनटीन दैट दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द सर्कुलर एंड ईच एंड एवरी स्टेप हैज टू बी रिलीजियसली फॉलोड Right. Yes. This is yes, absolutely. Why so? That we first in our submission we must say that this is what the circular says, I, and this ho so I hope, not been done. I hope so, you will. You are absolutely right, sir. This is the right statement, and I will just now supplement this. That why it is each step is requiring. आप सोचिए कि अगर मान लीजिए एक सौ तिरपन डी की अब एक नोट करिए कागज पेन लेके जो यूनिक केसेस है जिनमें डिन की बात हो रही है सेटिस्फेक्शन नोट पे तो बॉम्बे हाईकोर्ट लिख दिया

तो जो राजेश भाई इतना बड़ा सेंट्रल सर्कल इतने बड़े सर्च केसेस अगस्त 19 के बीच में और 21 तक जितनी भी असेसमेंट हुई है या जो अभी भी असेसमेंट हुई है जो पुराने ओल्ड सर्च केसेस की जिनकी आज असेसमेंट हो रही है श्रीवास्तव जी उनमें आप चेक करिए एक सौ तिरपन डी की अप्रूवल में डिन है नहीं नोट कर लीजिए हमारा एक जजमेंट आ गया पूी का सर लैंडमार्क ऑर्डर पी वी जी एक ग्रुप है कोई पूना का हमारे मित्र हैं बॉम्बे के विजय मेहता साहब उनका आर्ग्यू क्या ऑर्डर है का ऑर्डर है बीबीजी फॉर बॉम्बे बी फॉर विक्ट्री जी फॉर गुजरात बीबीजी लिमिटेड पूना आईटीटी 19 टी उन्नीस अक्टूबर दो का फैसला है कि एक सौ त्रेपन डी की अप्रूवल इज नॉट इंटरनल कम्युनिकेशन इट इज एन एक्सटर्नल कम्युनिकेशन इट शूड है

Correct. ये बात जो ने लिखी है और जो दिल्ली हाईकोर्ट ने एंटरप्राइजेस में लिखी दोनों एक ही लय में इसमें डिपार्टमेंट की के सेफ्ट गार्ड के लिए एसएससी को अधिकार है उसको हैने का और एसएससी को नहीं मिलेगी तो पता क्या चलेगा ही नहीं लीग सर और इस अप्रूवल और सर्कुलर को पढ़िए इफ आई एम नॉट रॉन्ग उस सर्कुलर में अप्रूवल और सेंशन वर्ड कहीं अलग से लिखा हुआ है उसी में कम्युनिकेशन के साथ

अगर किसी जैसे क्या है ये ड्राइन हमने कई बार डिस्कस करी है पर ये पूरी ही नहीं है उसकी ठीक तो उसका सारा कुछ ढांचा गिर जाएगा फाउंडेशन फेल्स सुपर स्ट्रक्चर फॉल्स लेटो फंडामेंटो कैडिट ऑफस वेन फाउंडेशन फेल्स सुपर स्ट्रक्चर फॉल्स दैट इज लेटो फंडामेंटो कैडिट ऑफस

तो ये भी एक क्वेश्चन अब निकलेगा जैसे सर्च होती है तो उसमें वारंट बनता है पंचनाम बनता है प्रोहिबिटरी ऑर्डर बनता है राजेश भाई ये सब अलग अलग कम्युनिकेशन है अगर इनमें से किसी एक का भी डिन नहीं हुआ तो वो एक्शन तो गया वो एक्शन गया जैसे आप प्रोहिबिटरी ऑर्डर पास कर रहे हैं श्रीवास्तव जी क्या उसका डिन होना चाहिए वैलिड प्रोहिबिटरी ऑर्डर

नहीं नहीं प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से बनाया है की गवर्नमेंट में ट्रांसपेरेंसी आए इनकम टैक्स विभाग में और इसको पालन नहीं करना पड़ेगा इस इसमें कोई चॉइस नहीं है आपने वो वर्ड बहुत अच्छा बोला था कि स्टेप हैज टू बी सेंसिटाइज की आप जब फेसलेस मोड में आ गए हैं और एस के पास फिजिकल राजेश राकेश जी इंटरवेंशन नहीं है तो आप एस की बैक पे इतने सारे काम कर रहे हैं तो ये डिनी एक सबसे बड़ा सेफ है अगर आप इसमें नस्ते नाबूद कर देंगे

बिना वारंट दिए उसका दिन आज कम्युनिकेट करना तो हमें पता क्या चल रहा है कि और दिन की के दिन जनरेट किस दिन हुआ आप एक महीने बाद क्यों कर रहे हैं उसको एक दिन बाद साथ साथ साइमल्टेनियसली क्यों नहीं कर रहे हैं आर बैगिंग क्वेश्चन right. जैसे जैसे एक केस में सेंट्रल सर्कल में जो मैंने अभी एक आर्ग्यू किया था आप लिख सकते हैं हरीश गुप्ता का नाम है आई ने डिसाइड किया है वहां फैक्ट ये था कि एक असेसमेंट हुई सेंट्रल सर्कल में पैरेलल साइमल्टेनियस दिन उन्होंने हमें डिनट किया ऑर्डर के साथ तो साइमल्टेनियस डिन को भी कोर्ट ने कहा कि इट इज ऑफ सुपरफिशियलिटीज ऑफ नो यूज गेट पॉइंट वेरी गुड उसमें एक लेटर लगा दे रहा है और कह रहा है कि ये डिन है hmm. उसी डेट का लेटर right. तो क्या उससे वो जो उसकी उस बॉडी में ना लिखना और अलग से लेटर देने से वो जो सर्कुलर का पालन मान लिया जाएगा हो गया

कि कई बार ऐसा लगता है कभी गवर्नमेंट की जाती है, <laughs> हो है, है, की हो जाती है। ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बोल रहा हूँ स्टूडेंट ऑफ लॉ फिर आप बोलते नहीं टैक्सेशन स्टेट्यूट शुड बी स्ट्रिक्टली कंस्ट्रीट मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि टैक्सेशन स्टेट्यूट शुड भीट्यूट का मतलब ये कि जहां से टैक्स लगता है वहीं स्ट्रिकलीट्यूट डिपार्टमेंट <laughs> मैं, मैं तो अभिमन्यु चटर्जी का जो है, इसका क्या थोड़ा हमारा भी हरीश गुप्ता जी का भी हम भी आपके भाई क्या हो गई हरीश <laughs> गुप्ता है तो गूगल हमारे सब मिल जाएगा गूगल पे सब है दिल्ली आईटीडी हरीश गुप्ता गूगल करिए और दिल्ली आईटीडी अभिमन्यु चतुर्वेदी गूगल करिए गूगल साहब आपको सेवा में आज ठीक है बिलगुल तो आपका दोस्त है से, है सर? चैट जीपीटी पे देखते हैं। मैं कितना दूर आपसे? आप तो, बहुत आ, नहीं। आ तो बात खत्म हुई। की तो बस, 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 बस। तो श्रीरास्त जी देखिए जिन्होंने भी डिन का बनाया था बहुत अच्छे से बनाया अब जिन्होंने उसका पालन किया उन्होंने उसको सेलेक्टिव अप्लाई करना चालू कर दिया उसमें से अपनी तरीके से अप्रूवल हटा दिए नोटिस ऑफ डिमांड का कॉमन डिन बना दिया ये सब कार्यक्रम जिसने भी किया रिस्पेक्ट अथॉरिटी ने वो गलत किया ना सर right. इंक्लूडेड है सर। अगर आप राजेश भाई एक और इसको आगे ले जा रहा एक्साम्पल एक नोट करिए तो कॉमन आपने वाला भी नोट ना, जो अलग से, लेटर से आया है वो भी गलत है वो भी ब्रांडिक से

श्रीवास्तव साहब आप पता नहीं उस दिन कोर्ट में थे उस दिन आप आ, ये कोर्ट नंबर और अभिनव शर्मा जी और अनुभव शर्मा जी का ऑर्डर है और उन्होंने ना जी देखना नहीं, नहीं, अभी हरीश गुप्ता निकाला आ, हरीश, गुप्ता, हरीश गुप्ता की हरीश गुप्ता की लाइन पढ़ना लास्ट एक मिनट अरे इसमें से नहीं निकले की दोबारा बताता हूँ दूसरे उसमें से निकालना पड़ेगा मुझे मैं पढ़ के बताता हूँ एक बार

एक चार इक्कीस से पहले जब धारा एक सौ अड़तालीस सबसेक्शन टू के तहत रीजन रिकॉर्ड हो रहे हैं और धारा एक सौ इक्यावन के तहत सैंक्शन मिल रहा है और पुराने लॉ में श्रीवास्तव जी सैंक्शन का नजर आ रहा है, बट उसमें जो हैं जिसकी मिल रही है उस रीजन का अपना इंडिपेंडेंट कोई डिन नहीं, नहीं।, 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 नहीं दिस इज दिस इज सिंपली मिसलीडिंग द कोर्ट नहीं रीजन पे डिन है सब्सिक्वेंट डिन नहीं है

यस yes. 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 से आप आप मैं आपको बता फिर फिर मेरी बात समझिए जैसे 19 के बाद जब से सर्कुलर आया और सैंक्शन का अलग अलग दिन है नहीं चेक कर लीजिए सर कोई केसेस में जैसे के अप्रूवल सिग्नेचर तो के अप्रूवल के लिए भेजा बाद में और सैंक्शन पहले आ गई है

Not having proper din, अगर वो में मिलती है उसके लिए कि बैगिंग नहीं करूंगा सॉरी श्रीवास्तव की मुझे दे दो भीक मांग के सॉरी <laughs>

करिएिमानी जी इतने में वो जजमेंट निकालता हूँ तेलंगाना हाईकोर्ट का लैंडमार्क ऑर्डर जो भी आया आप है आप सबको बताता हूँ जजमेंट इतना बढ़िया जजमेंट है सर शॉर्ट और क्रिस्प ऑर्डर तेलंगाना हाईकोर्ट का इस ऑर्डर की डेट भी छह नवंबर दो है जो बीटी इंडिया लिमिटेड वाले के लिए। साई कुमार मटेटी साई कुमार लिखिए जी साई कुमार श्री साई कुमार मटेटी ये तेलंगाना हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच का फैसला है मतलब मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर इसलिए कि सेक्शन 282 कैपिटल ए इनकम टैक्स अधिनियम का जिसमें डिपार्टमेंट डिसाइड करता है कि नहीं साहब हमें साइन करना कुछ भी जरूरी नहीं है मैनुअल डिजिटल हम सिर्फ डेजिग्नेशन लिखेंगे तो धारा दो कैपिटल ए हमारे को वैलिडेट करेगा ऑथेंटिकेशन तो टू ए को डील किया है तेलंगाना हाईकोर्ट ने अभी सर छह नवंबर तेईस के इस फैसले में इसका नाम है श्री साई कुमार मतेती मतेती मतेति मते मते वर्सेज आई टीओ छह नवंबर दो हजार तेईस

डिट तो में में नहीं नहीं, तो हाँ, कह रहा है साइन और हमारी इच्छा है हम करें ना करे तो भैया तुमने फिर जितने भी सॉरी मैं ऐसे बोल रहा हूँ जितने भी इंडिया में जितने डॉक्यूमेंट साइन करे तो राजेश भाई केस में क्यों साइन कर दिया कपिल गोल से क्या दुश्मनी है मतलब आप आप आदमी देखकर साइन डॉक्टर स्टैंड लेते हैं सॉरी ठीक है जी राइट एब्सोल्युटली देखकर देखकर माथा तिलक लगाने वाली है, कोई परंपरा है ऐसी कोई अजीब सी कि जिसका माथा जैसा हो वैसा तिलक लगता है ऐसा कहा गया है कहीं तो क्या ऐसा कोई लॉ हो सकता है कि जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन कहे कि हम किसी केस में तो श्रीवास्तव सही कि किसी केस में तो हमारी इच्छा करेगी हम मैनुअल साइन कर देंगे किसी केस में डिजिटली साइन कर देंगे किसी में हमारी इच्छा नहीं करेगी हम आधा होगा हम कुछ भी नहीं करेंगे हम कुछ भी नहीं करेंगे हम अपने ऑफिस के स्टाफ को कहेंगे तुम ही कर दो भैया जो चलो, तुम ही कर। लाइटर, कर वेन, लाइटर वेन आपने लाइटर वेन आपने कहा ना माथा देख के तिलक लगाते हैं ये बहुत बड़ी परंपर परंपरा है साउथ में कि आप देखेंगे तिलक लगाने का तो स्टाइल मैंने तो सो मैंने तो, <laughs> मैंने तो तो तुक्का मार के बोली थी बात आपको पता है मैं ज्यादातर बात तुक्का मार के बोलता हूँ अरे नहीं नहीं देखिए ये एक ट्रेडिशन आप देखो ना बड़ा सिंपल आप देखो हमारे अपने आईटीआईटी में ही देख लीजिए नहीं नहीं पर पॉइंट ये बताइए ना कि

सेक्शन टू एटी टू कैपिटल ए डज नॉट इम्यूनाइज रेवेन्यू टू से दैट ना तो मैनुअल साइन करेंगे ना डिजिटली साइन करेंगे सिर्फ डेजिग्नेशन लिख देंगे उससे हो जाएगा so, नहीं, नहीं। सर क्वेश्चन अगर आपने साइन मैनुअल भी नहीं किया डिजिटल भी नहीं किया तो पता क्या चलेगा श्रीवास्तव साहब उसी ऑफिसर ने नोटिस इशू किया पीएम ने किया या उसके किसी स्टाफ ने किया कैन यू नो विदाउट सिग्नेचर बींग अपेंडेड टू ए डॉक्यूमेंट स्टेच्यूटरी डॉक्यूमेंट कैन यू से देट दिस और इट इज बाईलिंग छत्तीसगढ़ में कुछ नेट्टी टू ए को लगाकर एडवर्स लेने के बाद डिपार्टमेंट सिर्फ नाम डेजिग्नेशन लिख देगा तो भी ऑथेंटिकेट हो जाएगा नोटिस

तो अगर श्रीवास्तव जी वो जो इंटीमेशन डिन का लेटर है अगर वो भी फॉल कर जाता है तो भी सब लेटो, लग जाएगा। लेटर क्या असेसमेंट बचेगी no. नो हो जाएगी डिपार्टमेंट ने और किसी तरीके से तो इंटीमेट किया नहीं है दिन। अगर वो लेटर जीरो हो राजेश भाई तो मेरा हम्बल तो पूरी प्रोसीडिंग जीरो नल एंड जीरो बोलिए

हाँ, तो वो वो भी वहां पर भी कई जगह देखा गया कि डिन का वायोलेशन है कहीं ना कहीं सर तो अब ये तो अब आगे इनकम टैक्स जीएसटी है एक प्रोसीजर लेडाउन हुआ ना कहीं उन्होंने उसको एक्सप्लेन कर दिया मिनिस्टर ने कह दिया और उसकी को सेम इन द सेम स्पिरिट इट इज देयर इन अदर लॉ आल्सो राइट तो बीइंग इन द सेम स्पिरिट इन अंडर द डिफरेंट लेजिस्लेशन द व्हाटएवर आर द जजमेंट्स और द डिसीजंस और इंस्ट्रक्शंस अंदर वन लो शुड जनली बी पॉल्यूड वो इंद्र क्यों पैरी क्योंकि वो पैरी मटेरियल होगा ना पैरी मटेरियल होगा सर तो क्वेश्चन ऑफ लॉ इज आंसर्ड बाय द हाई कोर्ट इन वन अंदर द वन एक्ट इट शुड एप्लाई टू ऑल ऑफ द एक्स ऑफ तो नाउ आई कम टू सर 148 इंपॉर्टेंट पॉइंट क्योंकि बहुत कुछ आया श्रीवास्तव साहब मेरे पास एक ही घंटा बचा आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा थोड़ा जल्दी जल्दी चलूंगा इतना कुछ 148 पे श्रीवास्तव जी आया पॉजिटिव और नए हाई कोर्ट से hmm. तो जो रिलीज करने योग्य भी है और एकेडमिकली भी बहुत अच्छा है और प्रैक्टिकली भी बड़ा यूजफुल है जैसे अगर हम चर्चा की शुरुआत 148 की करें जो आपने बोला तो उसमें एक जो ये ट्रैवल बैक की थ्योरी हमें पीछे पड़ी हुई है ट्रैवल बैक

मैं चर्चा को उसको ले जाता हूं एक पॉइंट सीबीडी ग्यारह माई सर थी थी, उसमें एक पेरा सिक्स पॉइंट टू में जो सबसे बड़ा श्रीवास्तव साहब मुझे लगता है कि जिसकी वजह से नब्बे हजार के दोबारा पैदा हो गए रीनकारनेट हो गए उसका रीजन था ट्रेवल बैग ट्रेवल बैग किस कंटेक्ट में सीबीटी ने लिखा

कि जब कोई आदमी कहता है ट्रेवल बैक करेगा तो ट्रेवल बैक पूरा करेगा मतलब इन दी सेंस की अगर आप कहते कि नया लॉ का नोटिस पुराने लॉ के नोटिस को कनेक्ट करेगा और ये नया लॉ का नोटिस अपने आप में कुछ नहीं है तो फिर आपको ये समझना था डिपार्टमेंट को कि जितने भी पुराने लॉ के नोटिस हैं जिनके पुराने रीजन और पुराने अप्रूवल वो सब आपको आगे लानी थी वो सब आर्ग्यू होंगी डिपार्टमेंट वो तो कह रहा है कि नहीं जो पुराने लॉ के रीजन है आप समझ रहे मेरी बात और पुराने लॉ के अप्रूवल है वो तो हम चेक कराएंगे नहीं

कर लिया आ, बो, चेंज करते रहो जब बात तो अब दिल्ली उच्च न्यायालय का ये जो फैसला आया है सर गणेश दस नवंबर दो हजार तेईस का ऐतिहासिक डेट उस समय दिवाली से एक दो दिन पहले की डेट दिवाली बारह तारीख की थी तो हमारे लिए ये दिवाली की सेरेमनी थी श्रीवास्तव जी कि इन्हें <laughs> ये जो ट्रेवल दिल्ली वालों को बेचारों को बहुत ज्यादा वेट करना पड़ा एक ऐसा फैसला जो पॉजिटिव माइंड हो रहा है खेवानी जी इन दी सेंस कि जो इस बात को समझे कि क्या डिपार्टमेंट ने गवर्नमेंट ने सीबीडीटी ने इस ट्रेवल बैक को पैरा सिक्स टू में लगाते वक्त कानून के साथ जस्टिस टैक्स पेयर के साथ जस्टिस किया या न्याय किया है तो दिल्ली उच्च न्यायालय ने गणेश दास खन्ना के फैसले में शक्र साहब ने यह बात क्लियरली लिखी है कि यह फैसला जो हम दे रहे हैं जजमेंट इन रैम है और ये क्वेश्चन ऑफ लॉ ये सब असेसिस पे लगेगा जो भी हमारी दिल्ली हाईकोर्ट में है और इस पूरे फैसले को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उन्होंने बिल्कुल क्लियरली सीबीडी टी इंस्ट्रक्शन के उस कॉन्ट्रोवर्शियल पैराग्राफ को राजेश जी राजेशंट्रोवर्शियल पैराग्राफ नंबर 6.2 में जो ट्रेवल बैक लिखा है उसको क्वैश कर दिया है अल्ट्रावास कह दिया कि वो इंस्ट्रक्शन जो पैरा पैरा पॉइंट में ट्रेवल बैक की बात करती है वो गलत करती है और उसका रीजनिंग क्या दिया उन्होंने किवानी जी की साहब सीबीडी के पास सेक्शन एक में यह अधिकार नहीं है कि वो कोई ऐसी तरीके की बात कहने लग जाए जो कानून में उसको अदरवाइज इजाजत नहीं है

पचास लाख से कम का अमाउंट इनकम एस्केपिंग असेसमेंट था उसके लिए नोटिस था डिपार्टमेंट उसको तीन साल के अंदर मान रहा था और पचास लाख से कम इनकम आशीष अग्रवाल के बाद नोटिस आया था उसको श्रीवास्तव जी डिपार्टमेंट कह रहा था ट्रेवल बैग लगाकर अंदर है तो सुप्रीम सॉरी दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि 16 17 का ईयर 17 18 का ईयर जिसके तीन साल 21 में ही खत्म हो गए 31 मार्च 21 को सर तो वो जब आप आज नोटिस दोगे 22 में तो आपको तो 50 लाख तो पढ़ना ही पड़ेगा और ट्रेवल ट्रेवल बैग जो पैरा 6.2 में सीबीटी ने लिख रखा है वो सब गलत है अब इस रेशियो से ये निकला कि उन्होंने 16 17 17 18 के जो नोटिस थे 50 लाख से कम के वो तो पूरे क्वैश कर दिए इस जजमेंट का रेशियो अगर ये जजमेंट एज इट इज होल्ड होता है तो ये श्रीवास्तव जी जो तेरह चौदह वाली लड़ाई पंदर, चौदह पंद्रह वाली लड़ाई है पंद्रह सोलह वाली लड़ाई है खिवानी जी टाइम बाट हो जाएगा वो मेरे और जो हमारी लड़ाई अलग अलगवाइज चल रही है हमारे केस में ट्वाइलाइट में कि जो इन्होंने सैंक्शन गलत लिया है तीन साल के बाद कमिश्नर से जो चीफ कमिश्नर से सैंक्शन लेना चाहिए था कमिश्नर से ले लिया वो सब इस गणेश दास खन्ना से कवर हो जाएगी क्योंकि गणेश दास खन्ना हैज एड्रेस द बेसिक इशू एंड राइटफुली फंडामेंटल फुली कि इशूर सीबिरिटी इंस्ट्रक्शन पैरा सिक्स पॉइंट टू ट्रेवल बैक थ्योरी वॉज राइट और रॉन्ग ट uh, in so है और उन्होंने लिखा भी ये जजमेंट इन रैम है ये तो judgment in का मतलब जी हुआ कि सब असैसी लगेगा तो आप एक कहेंगे मुझे किसी ने पूछा कि सारे निश्चिंत हो जाए सिर्फ एक ही अब पॉइंट है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई आक्षेप ना करे इसीलिए मैंने कहा राजेश भाई से नजर वोना तो तो सब निकलवाएंगे बिहारी जी के थ्रू काम बनेगा ये क्यों ये क्योंकि जो इतने अच्छे फैसले होते हैं हैं जिसमें इतनी अच्छी बातें लिखी होती साहब कि इट रिक्वायर्स जहां उन्होंने सलील गुलाटी में जस्टिस नहीं किया था टोन केस में उसको जो इन जस्टिस विद ड्यू रिस्पेक्ट सलील गुलाटी के केस की वजह से और टच टोन की वजह से परपेचुएट हो रहा था उसको दिल्ली हाईकोर्ट में शक्दर साहब ने बहुत टाइमली रिड्रेस किया है रेमेडी किया है और ये बात मैं पब्लिकली कह रहा हूं क्योंकि एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ की जब हम देखते हैं कि इन जस्टिस परपेचुएट हो रहा होता है उसको जस्टिस में कन्वर्ट करना इट रिक्वायर्स जी एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इट इज अ वेरी गुड थिंग उन्होंने लिखा है कि टच टोन का डिसीजन सलील गुलाटी के डिसीजन में इस पॉइंट पर चर्चा ही नहीं हुई ट्रैवल बैक वगैरह पे टाइम लिमिटेशन में ढंग से और राजेश भाई ये जजमेंट इतने मतलब कोई भी लॉ को प्यार करने वाला व्यक्ति की क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या होता है जुडिशियल इश्यू क्या होते हैं इसमें पॉइंट जस्टिस अग्दर ने नोट किया कि जी आप सब तो नोट करिए कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव रेस रेस पढ़ना हो, क्या होता है डिपार्टमेंट कह रहा था कि सलील गुलाटी में टस्टोन में हमारे फेवर में आ गया सर अब तो ये रेस्ड्यूटी काटा लग गया अभी डिबेट एस क्यों कर रहा है तो उन्होंने समझाया क्यों नहीं लगेगा रेस्ड्यूटी काटा क्यों वहां पर डिपार्टमेंट की बात को उन्होंने अभी खनेज दास खन्ना में ये कहा कि गने केस एंड सलील गुलाटी आर नो गुड अथॉरिटी फॉर दिस पॉइंट की लिमिटेशन है और सीबीडी सही है या नहीं तो यह श्रीवास्तव में टोला वाली बात भी डिस्कस किया जब नया लॉ आया था यह कॉम्पैक्ट रूलिंग है मेरे हिसाब से इस रूलिंग के अंदर सारे पहलुओं पर उन्होंने गौर फरमा बहुत ध्यान से ऑर्डर लिखा है

तो मुझे अच्छा लगता है इस ऐसे ऑर्डर के साथ जब आप जुड़े होते हैं तो आपकी यादें हमेशा बहुत टाइम ही मेमोरियल तक रहती है तो श्रीवास्तव जी ये तो नवंबर का फैसला है और इस फैसले में राजेश रूट ऑफ द मैटर इट टू ये बाद में डिसाइड जाएगा आप देखो डिपार्टमेंट ने श्रीवास्तव जी कितने सारे नोटिस ऐसे जारी किए हैं अभी भी नए लॉ में जो तीन साल के बाद और उसमें पचास लाख का बेनिफिट नहीं दिया है और पचास लाख से कम अमाउंट के अंदर भी तीन साल के बाद जैसे अप्रैल तेईस में अभी क्लाइंट का रिट चल रहा है उसमें अठारह लाख नोटिस उन्नीस बीस का अप्रैल में विद इन थ्री और वो क्यों कह रहा है मैं बता रहा हूं चौथा प्रोवाइज है जिसमें तो वो कुछ ग्रेस पीरियड भी वो सेक्शन भी डील किया वो ग्रेस पीरियड हर एक जगह ऐड नहीं हो सकता आप नोट कर लीजिए वन फोर्टी श्रीवास्तव जी इसमें लिखा है खन्ना साहब के खन्ना जी के डिसीजन में साहब ने कि वो वन फोर्टी नाइन का जो प्रोवाइजो नंबर थर्ड और फोर्थ है उसमें जो आप तीन साल के अंदर डेज काउंट एड करेंगे ना राजे जी वो उतने ही डेज एड करेंगे जितने डेज एस एस सी को आपने रिप्लाई फाइल करने के लिए दिए हैं और उसने एक्सटेंशन मांगी एडजॉन में अपनी तरफ से बढ़ा नहीं देंगे कि लक्ष्मण रेखा को जैसे मर्जी खींच देंगे और फ्लेक्सिबल है वो ऐसे खींचते रहेंगे खींचते रहेंगे खींचते रहेंगे और वो सब तीन साल के अंदर आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा ये टोटल ना है सर और ये कमाल है जी की तीन साल के अंदर और तीन साल के बाद में जमीन आसमान का फर्क पड़ रहा है क्योंकि मेरे को एक्सटेंडेड पीरियड के अंदर हायर थ्रेशोल्ड लगेगा पचास लाख की लिमिट लगेगी बुक्स डॉक्यूमेंट एविडेंस चाहिए होंगे उसमें आपको तीन क्लॉजेज में मुझे डालना पड़ेगा कि क्या मेरे ऊपर एक्सपेंडिचर वाला क्लॉज है या एंट्री इन बुक्स वाला है या असट वाला है मैं गलत बोल रहा हूँ श्री जी ये तीनों में कहा डाल रहे हैं

और सब लोग समान तरीके से चले क्योंकि ऐसा थोड़ा हो सकता कि बॉम्बे के लोग तो अच्छा डिसीजन पाते रहे और अभी दिल्ली के या कहीं और के लोगों के लिए तो भारत तो एक ही अखंड भारत है एनी तो ये बॉम्बे के डिसीजन पे वापस आ रहा हूं जी. इस डिसीजन का जो, इसमें एक दर्जन ऑर्डर आए हैं जो मैं आपको बात बता रहा हूँ इसमें एक जजमेंट का आपको नाम लिखा रहा हूँ कार्तिक गांधी नोट कर लीजिए जजमेंट का नाम सॉरी कार्तिक सुरेश चंद्र गांधी वर्सेस एसीआईटी कार्तिक सुरेश चंद्र गांधी वर्सिज असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स 2023 सी सी ऑनलाइन बॉम्बे सोलह सो सैतालीस दो हजार तेईस एस सी सी ऑनलाइन बॉम्बे सोलह सो सैतालीस ये लैंडमार्क डिसीजन क्या कहता है सर शिवानी जी राज जी अब यहां ये ये अभी का डिसीजन है मतलब दो तीन महीने पहले का और नए लॉ में 148 में इनकम टैक्स में रीओपनिंग हुई थी और इससे वो पता लगता है खिवाणी जी हम जो थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे सेंक्ष, में, में का, डिपार्टमेंट ने दरिया दिल्ली से वो परफॉर्मा सेंक्शन का प्रोवाइड कर दिया जो हमारे को दिल्ली में नहीं मिल रहा दुर्भाग्य से एनी आउट उसमें कॉलम होता है राजेश भाई इस परफॉर्मा ऑफ अप्रूवल में जो कोर्ट ने लिखा है कि क्या ये केस तीन साल के अंदर का है या तीन साल के बाहर का अब सोचिए आप अनुमान लगाइए उसमें लिखा हुआ तीन साल के बाहर बाहर का है और फिर करेक्ट ये कार्तिक सुरेश चंद्र गांधी में जस्टिस के आर श्रीराम साहब ने उस परफॉर्मा को पढ़ते हुए लिखा जिसमें डिपार्टमेंट डिस्प्यूट नहीं कर पाया कि हाँ साहब हमारे परफॉर्मा में ये जिसने भी अप्रूवल साइन किया सीआईटी साहब ने उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि ये केस तीन साल से बाहर करें। करें। तो उन्होंने कहा कि आपके सीआईटी को इतना समझ नहीं है उन्होंने क्या क्या वर्ड पूरा बोलूंगा तो उनको अक्ल नहीं मतलब तीन साल के बाद होगा तो साइन करेगा अप्रूवल सेंक्शन अथॉरिटी आई टी कौन करेगा आप या तो अप्रूवल में परफॉर्मा गलत पढ़ रहे हैं मतलब आपके लेफ्ट एंड राइट हैंडिनेशन ही नहीं है आपके यहाँ अप्रूवल ऐसी हवा में धड़ने में एक दर्जन फैसले एक के बाद एक बॉम्बे हाईकोर्ट की टैक्स बेंच जस्टिस के आर श्रीराम ने इसी बात पे नोटिस क्वेश्चन श्रीवास्तव जी कि अप्रूवल की में ये बात गलत तरीके से लिखी हुई है कि तीन साल के अंदर का केस है अरे नहीं सर अभी आगे बढ़िए नहीं नहीं किसी आदमी से आप डेविल साइड से पूछिए जजमेंट हुआ ये तो ये तो सिर्फ उन्होंने इसी बात पर रिलीफ दे दिया कि परफॉर्मा में गलती इससे क्या होता है परफॉर्मा क्या होता है मैं उनको बड़ी विविधता से कहना चाहता हूं कि फिर एक क्यों बनते राजेश भाई आर देयर क्या एग्जीक्यूटिव ईगो सॉरी एग्जीक्यूटिव एनआर के लिए बनते हैं सॉरी हमारे यहां जो एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी चाहिए वैसे होगा

कि उस देश के अंदर वो जज जो न्याय करने में बिलीव रखता है करदाता की हरेसमेंट को रोकता है जो जिसके लिए संविधान सब कुछ है उसके जजमेंट को आपको मानने में दिक्कत हो रही है हुँ. आप वो जजमेंट मानना चाहते हैं जो एस के खिलाफ आ रहे हैं और जिसमें न्याय को और कानून को और संविधान को ताक पे रखा जा रहा है क्यों श्री राम साहब के उन जजमेंट्स का पर, क्यों क्यों सुप्रीम को, क्यों सुप्रीम कोर्ट कोर्ट जाएगा डिपार्टमेंट क्यों ये सारे कंट्री में नहीं लगना चाहिए

अभी कट कॉपी पेस्ट है या क्या है भाके बिहारी लाल की जय जय yes. एक कमाल है सर जो अप्रूविंग अथॉरिटी है उसके पास इतना भी दिमाग नहीं है कि वो उस ऑर्डर को जिसके अप्रूवल दे रही है उसमें अमाउंट कितना है वो पढ़ ले उसको किसी की सहायता की जरूरत है कि वो अपना काम ढंग से करे और उसको के साथ अन्याय करने में मजा आ रहा है क्योंकि मैं क्या बोले क्यों बोल रहा हूं मैं बताता हूँ राजेश भाई जब पीएमएलए का सब्जेक्ट हालांकि आप ज्यादा मेरे को डर भी लगता है पीएमएलए से <laughs> बहुत लोगों को डर लगता है जो कम कमजोर है पता चले पीएमएल की गलत छाया पड़ का श्री राम साहब के पीएमएलए के लिए डिपार्टमेंट पड़ को लेकर इतना नहीं है जितना उसको होना चाहिए और उसको लाइटली <laughs> कैसे ले सकता है कि उसके कॉलम भरते है वक्त उसको एक समझ, रहा है, समझ रहा, है, को कर दे रहा है और सोचता है राजेश भाई पीएमएल की, की बात कर लेते लैंडमार्क उसी के साथ इंपॉर्टेंट होगा पंकज बंसल जो एम थ्री एम के ओनर है ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लीजिए क्रांतिकारी फैसला है सर ये बहुत दिनों बाद ऐसे कानून में जिसमें बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं अनड्यूली फंसे हुए अरेस्ट हो रहे हैं उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक जो जजमेंट जस्टिस संजय कुमार ने लिखा मुकुल रोदगी साहब जिनके वकील हैं उसमें ये बात सामने आई राजेश भाई की पीएमएलए में जब अरेस्ट होता है सेक्शन उन्नीस भी है उसमें ग्राउंड ऑफ अरेस्ट की कम्युनिकेशन की प्रथा है तो पता चला ग्राउंड ऑफ अरेस्ट हमारे देश में ईडी तो सब जगह एक ही है पीएमएलए एक ही है कुछ जगह ओरली कम्युनिकेट हो रहा है श्रीवास्तव जी बोल के मौखिकली और कुछ जगह रिटर्न ग्राउंड जी कम्युनिकेट हो रहे हैं तो इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की चर्चा करी है एडॉन कि क्या एक सेंट्रल एजेंसी डिफरेंट स्टैंडर्ड्स एडॉप्ट कर सकती है अपने काम करने के स्टाइल में कि तेलंगाना में साउथ में तो कुछ कर रही है नॉर्थ में कुछ कर रही है कहीं कुछ कर रही है ये मैं नहीं बोल रहा हूं ये सुप्रीम कोर्ट देश का सुप्रीम कोर्ट सेक्शन 19 ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट कम्युनिकेशन पीएमएलए एक्ट जस्टिस संजय कुमार बोल रहे हैं देर शुड बी यूनिफॉर्म स्टाइल नोडल एजेंसी और उस बात को लेकर श्रीवास्तव उनको, उनको और ये बात लिखी है संजय कुमार जी ने आपके आप क्या कमाल के आदमी है आप ग्राउंड ऑफ अरेस्ट किसी को चार पन्ने का बनाकर लाए हैं और उसको ओरली पढ़ के बचाएंगे तो कोई सॉरी राजेश भाई माफ करना अगर भाके बिहारी भी होगी तो उनको समझ में आ जाएगा एक बार में

मतलब संजीव कुमार साहब ने पंकजी के फैसले में ऐतिहासिक फैसले में कि अगर कोई स्टेच्यूटरी अथॉरिटी कोई काम करती है और उसका purpose, के से हो जाता है तो उसको बोला जाता है इट इज एलरबल एक्सरसाइज ऑफ मैं दोबारा समझाऊ श्री जी कि जो कानून में काम कर रही है अधिकार, अधिकारी और वो कानून के ऑब्जेक्ट से बाहर जाकर कोई काम करती है तो ये माना जाता है इट इज लीगल एक्ट फ्रॉड ऑन पावर और ये वर्ड सुनना पसंद नहीं है बहुत सारी अथॉरिटीज को उनको में गुस्ताखी होगी पर एक कानून है सर ये संविधान से निकल रहा है इसमें ये वर्ड्स कोई हमारे बनाए भी नहीं है मेरे अकेले के कपिल गोयल के किसी आदमी के इसीलिए संजय कुमार साहब ने कहा इस केस में चार सुप्रीम कोर्ट के और फैसले है, आप पढ़ेंगे तो आनंद आएगा जी उनको पढ़ के उसमें लिखा है और उसको कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर किया गया तो आप सब ग्राउंड में राकेश जी मैं बता रहा हूँ ये ग्राउंड जरूर लेकर चलिए चाहे आप रिट पटिशन फाइल कर रहे हैं चाहे अपील फाइल कर रहे श्री साहब मेरी बात से इतफाक रखते हैं आप क्योंकि उसका उसका सेंस ये है कि अगर आप

और जो के आर श्री राम का एक कार्तिक सुरेश चंद्र गांधी और हमारे परफॉर्मा ऑफ अप्रूवल की जो गलतियां हैं और जो सैक्शन में है ये किसी का कटपेस किसी का कपिल गोयल का खिवानी जी में लगा दिया खिवानी जी का श्रीवास्तव जी में लगा दिया श्रीवास्तव जी का राजेश जी में लगा दिया ये सब चल रहा है और फिर क्योंकि केस जब बहुत सारे बल्क में होते हैं जैन साहब तो पता ही नहीं चलता कि किसकी अप्रूवल कौन कैसे दे रहा है भाईजान तो मेरा कहना यह है श्रीवास्तव जी जो नए लॉ की वन हुई है इसमें सैक्शन का परफॉर्मा का वैलिड होना बहुत जरूरी है

अब डिपार्टमेंट ने क्या तर्क लिया खिवानी जी श्रीवास्तव साहब कि सर ये क्या बात हुई ये कोई बात हुई 148 दे में देना हमारे लिए सॉरी हम श्रीराम के अवतार से कम नहीं है हमारे लिए और वही ऐसा जज ही लिख सकता है श्रीवास्तव जी उन्होंने क्या लिखा उस फैसले में उसका नाम भी आपको लिखा देता हूँ इसी कार्तिक सुरेश चंद्र गांधी की लीख का ही फैसला है और ये अभी इसका लेटेस्ट है इस वाले का, इस वाले वाले का का सीरीज इसका नाम है सर निखिल चंद्रकांत धारिया वर्सेस आईटीओ निखिल चंद्रकांत धारिया वर्सेस आईटीओ 7 अक्टूबर 2023 अब इस फैसले में जस्टिस श्रीराम ने डिपार्टमेंट को मुझे लगता है जैसे होता है ना रामचरित मानस में तुलसी बाबा पढ़ा रहे हैं कोई बात कहने क्या बात करिए वो कह रहे हैं अरे तुम आप हमें ये कह रहे हो कि ओरल लीडिंग देना जरूरी नहीं है

कि कोई एस एस मांगे या ना मांगे हर एक 148 ए में बॉम्बे के अंदर जुडिशियर में महाराष्ट्र में, में देगा देगा। इसलिए उन्होंने कहा भैया तो अपने अप्रूवल का उसमें क्या लिखा है कॉलम और आप हमारे सामने बोल रहे हैं और फिर उनको एक और बात पढ़ाई आप खोला श्री राष्ट्रवीं पढ़िए क्या है उसमें क्यों लिखा है प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बी हर्ड

चैनल से या जगह से कोई इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई जिसमें बाय की भी इंफॉर्मेशन है और सेल की भी है इन्होंने क्या किया बायक और सेल को दोनों को जोड़ के ले लिया मतलब बाय की, की भी ले ली और सेल की भी ले ली गाइदे तो जैन साहब डिफरेंस लेना चाहिए था ना आदेशाम जी करेक्ट डिफरेंस करके और फिर दोनों को ऐड करें पहले दोनों का डिफरेंस निकाल के

तो उस समय क्या बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है सर देश में कि क्या ग्रॉस ट्रांजेक्शन को ले लेंगे ग्रॉस अमाउंट को या आप नेट अमाउंट को लेंगे इनकम एलिमेंट को नेट नेट अमाउंट अब अरे क्या बात करें जितने भी कैपिटल की इंडिया में हुई है डिपार्टमेंट ने जितने भी वन पिछले तीन चार साल में किए हैं किसी में नेट इनकम नहीं ले रखी है मैं आपको बता रहा हूं और खासकर वहां पर जहां पचास लाख का अमाउंट का भी चक्कर है डिपार्टमेंट क्या कह रहा है श्रीवास्तव जी हम तो 148 की स्टेज में राजेश भाई पूरा ग्रॉस अमाउंट लेकर चलेंगे ये निम्नानी के केस में क्या हुआ कमोडिटी मार्केट से संबंधित ट्रांजेक्शन थी उसका नेट अमाउंट तो जी एक लाख रुपए का आ रहा था मतलब वो बेसिक अमाउंट जितना अमाउंटल होता है ना उससे भी कम है।, है अब इन्होंने क्या किया उसको सत्तर लाख ले लिया सत्तर लाख कैसे ले लिया उसका बाय भी जोड़ दिया और सेल भी जोड़ दिया अब दुआई देखिए डिपार्टमेंट ने क्या दिया हाईकोर्ट के सम्मी बड़ा यूज कर रहा हूं डिपार्टमेंट ने श्री राम साहब को कहा कि सर आप इनकी बात मत मानिए क्यों नहीं माने कि सर इन्होंने तो हमारे वन फोर्टी का रिप्लाई नहीं दिया

जो ओनस 148 में रीओपनिंग का असेसिंग ऑफिसर रेवेन्यू के ऊपर है वो शिफ्ट नहीं होता है और इनकम असेसिंग एस्केपिंग असेसमेंट ठीक से क्वांटिफाई करना भी उतना ही जरूरी है और आपको बता दूं भाई साहब इतने केस मैंने 100 150 जितने भी मेरे दफ्तर ने फाइल करी है भाई साहब ये 148 की कृपा है ना <laughs> ये श्रीमान जी कृपा है <laughs> कि ये कोई सोचे कि 100 150 रेट और मैं बता रहा हूं श्रीवास्तव जी मैं इस जजमेंट को संदीप के साथ डिस्कस कर रहा था मैं आपको बड़ी विवेकता से बोल रहा हूं कि बहुत जगह जहां कैपिटल अकाउंट की ट्रांजेक्शन हुई है, है आप इन्होंने उस ग्रॉस अमाउंट को प्रॉफिट से बाय सेल को सबको इकट्ठा जैसे होता है ना सबका मिलाकर सबको एक साथ डाल के उसका वन कर दिया बताइए अरे भैया इनकम कौन निकालेगा मान लीजिए मेरे मैंने कोई कैपिटल एसेट बेचा राजेश भाई

चार सौ अट्ठावन आई टी आर सिक्स नाइन जीरो इम्पोज पास किए गए कमिश्नर पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग इनकम टैक्स के फंडामेंटल कंसेप्ट की ही बड़ी पुअर है आप लोग समझिए अपने आप को ढंग से चलाइए ये मैं नहीं बोल रहा हूँ जस्टिस शीन लागू मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति बोल रहे हैं फोर फिफ्टी एट आई टी आर सिक्स नाइनटी में नीति नेिमा के के केस में भैया इनकम से ताल्लुकात रखिए ग्रॉस रिसीट को फोकस पॉइंट मत बनाइए मछली की याद इनकम को बनाइए

तो भाई साहब आप कैसे वन फोर्टी एट भी जगह ये दो है दो और आए चार डिसीजन आए हैं अभी पिछले तीन महीनों में राजेश भाई जहां उन्होंने कहा है कि वन करते वक्त आपका मूलभूत आधार इनकम एलिमेंट होगा ग्रॉस रिसीट नहीं होगी एनी हो चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं कंक्लूडिंग लाइन्स पे आ रहे हैं दो या तीन डिसीजन बस लूंगा वन फोर्टी एट के क्योंकि वो बहुत लैंडमार्क है और

जो रिओपन कर रहे हैं कैश डिपोजिट को फोकस करके इनकी ड्यूटी नहीं है मेरी रिटर्न के साथ टेलीस्कोप करें कुछ चीज को और इनकम को देखें क्या है तो वो बात बिल्कुल सही फिर उन्होंने मुझे रिलीफ तो दे दिया मेरिट्स पे मेन ठीक हाँ है तूने जो दिखा रखा है रिटर्न में जितना रिसीट वो तेरा हट जाएगा तो मेरे को पूरा रिलीफ मिल गया ऑलमोस्ट अब श्रीवास्तव साहब आपका क्वेश्चन रह गया कि कपिल उसमें जो उसने इनकम को नहीं देखा और सिर्फ डिपॉजिट को देखकर कर रिओपन कर दिया तो बिल्कुल गलत है सर यू आर एब्सोल्युटली राइट सी Even under 148, it is not the transaction and receipt escaping assessment. That is why Bombay High Court and MP High Court are right. It is income escaping assessment in 148, sir, even now. Earlier law also and today law also. So let us say you sold them an agricultural land or a property, immovable property. Can its sale consideration informed by property registrar become the ipso facto base for 148? No. 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 <laughs> So that is why इनको आप कहेंगे वो कैसे ढूंढेगा उसको कैसे पता चलेगी पहले इंक्वायरी करे प्रॉपर सीधा 148 क्यों कर रहा क्लॉज ए बना किस लिए प्रायर इंक्वायरी का इसलिए तो बना है आप पहले बिना प्रायर इंक्वायरी करें ग्रॉस रिसीट को बेस मानकर क्योंकि आपको किसी और विभाग ने इंफॉर्मेशन भेज दी इसलिए आपने 148 कर दिया राधे राधे फिर तो राधे राधे तो अंडर ओल्ड भी थे श्रीवास्तव साहब बट इस तरीके से जो बहुत क्लियर प्रपोजिशन जो बॉम्बे ने एमपी ने लिखी है ना कि आप कभी भी 148 करते वक्त क्रॉस रिसीट को तो बेस बना ही नहीं सकते

अनडिस्प्यूटेड फैक्ट है और प्योर जुडिशियल वैलिडिटी पहले चेक होगी तब उसको अपील में जाने के लिए देखा जाएगा तो ये बहुत सारे हाईकोर्ट नहीं मानते हैं हमारे विद ड्यू रिस्पेक्ट वो तो कहते हैं अल्टरनेट रेमेडी में अगर असेसमेंट ऑर्डर पास हो गया तो आप अपील में जाकर आर्ग्यू करिए हमारे हाईकोर्ट ने भी बहुत जगह कह दिया था पर ये गांधी बाग का ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उन्होंने कहा है कि असेसमेंट होने के बाद भी अगर एस एस सी वन फोर्टी एट के नोटिस की जुडिशियल वैलिडिटी को चैलेंज कर रहा है रीजन को अप्रूवल को एक्सेट्रा को तो भी उसकी रिट सुनी जाएगी अल्टरनेट रेमेडी की वजह से उसकी रिट को नॉन सुट नहीं किया जाएगा और उसमें वो पहले मैंने एक फैसला आपके यहां पता नहीं डिस्कस किया गया गोदरेज सारा ली का जस्टिस दीपांकर दत्ता का फैसला है सुप्रीम कोर्ट का वो फॉलो यहाँ लिखा है उन्होंने गोदरेज सारा लिया आप नोट कर लीजिए गोदरेज सारा ली वर्सिस एक्साइज टैक्सेशन ऑफिसर को गांधीबाग में रिट रेमेडी के लिए किया है एनी

बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर इस नाइनटी तो परसेंट केस खत्म होंगे डिपार्टमेंट के क्योंकि इन्साइड पोर्टल की को उन्होंने एक फिगर को चार चार बार ले लिया पांच पांच बार ले लिया बिना प्रॉफिट लॉस देखे बिना इनकम देखे बिना ट्रांजेक्शन का रेवेन्यू अकाउंट कैपिटल अकाउंट देखे ले लिया जैन तो बॉम्बे हाईकोर्ट का गांधी बाग रिलायंस ऑन इन साइड पोर्टल इन्फॉर्मेशन नॉट बी गुड इनफ टू ट्रिगर वन फोर्टी इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन ऑफ माइंड ऑन द पार्ट ऑफ द दिनिक वन एंड इन

इन्होंने इस केस को मान लिया कि पहली बार असेस हो रहा है ये तो नया फ्रेश केस है वो पहला वाला वन गोल कर दिया उन्होंने वो देखा ही नहीं क्योंकि उनके जज ने कहा आप कमाल है आपको आपके सीएटी ने रिकॉर्ड क्या देखा इसका और आपने ये फ्रेम कर लिया कि इसका बिना पहले का देखे। तो ये दूसरा पॉइंट बना मैकेनिकल रिलायंस ऑन साइट पोर्टल इज सेटिस्फेक्शन

सब कुछ पहले वाले वन फोर्टी थ्री थ्री के में बता रखा है और आप उसी को जो गड्ढे को पहले खोदा जा चुका है उसी खड्डे को दोबारा खोद रहे हो तो ये चेंज ऑफ ओपिनियन है तो तीन प्रेपोजिशन कोर्ट ने करी, fatal, और तीसरा पॉइंट चेंज ऑफ ओपिनियन गांधी बाग का डिसीजन श्रीवास्तव जी नोट कर लिया आपने इस, इस, हाँ, 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 अब, अब नोट कर इसी का जुड़वा भाई एक और

को तो 148 दिया असेसी ने ये डिपार्टमेंट ने अब उस 148 में श्रीवास्तव साहब जो फिगर्स और जो अमाउंट और जो ट्रांजैक्शंस असेसी को बताई गई वो वो असेसी से वो गलत बताई गई मतलब वो उसकी थी नहीं मतलब उसमें बहुत सारा झोल था असेसी को जब रीजंस मिले खिवानी जी तो उसने बताया कि सर आपके रीजंस में ये इनएक्यूरेसीज इफेक्चुअल मेबी यू आर नॉट प्रॉपर्ली गाइडेड इन द लॉ एंड फैक्ट्स you should correct yourself this is not the transaction which is i have done this is the correct status of my transactions aur aapne shayad jis jis grounds pe reopening ka notice mujhe diya hai jo reasons record kiye hain wo aapne non existent incorrect or wrong point pe ke note kariye point ye char cheeze bahut important hai sir ye bahut cases mein non existent facts incorrect facts erroneous facts and wrong facts अरविंद सहदेव Gupta के case में जब उसको 148 के reasons मिले तो उसने बहुत अच्छे से objection में कहा कि sir ये wrong facts आप बता रहे हैं तो सही फैक्ट्स बताने के बाद भी राजेश भाई उन्होंने वही किया जो जो गलत ट्रैक पे थे श्रीवास्तव साहब चेंज नहीं किया फिर अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्या लिखा इस जजमेंट इस में तीन बातें लिखी पूरी जज साहब ने कि अगर आप रॉन्ग फैक्ट्स पे और अरोनियस फैक्ट्स पे रीओपनिंग कर रहे हैं और एस के ऑब्जेक्शन को मैकेनिकल मैनर में डिस्पोज कर रहे हैं विदाउट प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ माइंड देखिए दो बातें अलग अलग हैं एक तो रॉन्ग फैक्ट खिवाने दी रॉन्ग फैक्ट समझते हैं जैसे आपने सेल को परचेज मान लिया परचेज को सेल मान लिया किसी ट्रांजेक्शन के अमाउंट को कुछ लिख दिया किसी को तीन बार जोड़ दिया चार बार जोड़ दिया अनगिनत उदाहरण हो सकते हैं जहां फैक्ट्स 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 रॉन्ग इनकरेक्ट नॉन एग्जिस्टेंट की डॉक्टर लगती है श्रीवास्तव जी जैसे मैं एग्जाम्पल दू की अभी मैं बात कर रहा था यूमोबल प्रॉपर्टी बेची उसका सेल कंसिडरेशन अठारह लाख रुपए और सर्कल रेट तीस लाख रुपए अठारह लाख को तीस लाख को बेस्ट करके गई और तीस लाख को बोला ये सेल है जबकि तीस लाख सर्कल रेट है ये रॉन्ग फैक्ट हो गया रीजन में

सेल भी कर रखी और परचेज भी कर रखी उसी आदमी से उसी एक ही बार में कैसे हो सकता है सर ये और क्या हुआ खिवानी जी एक केस अभी जब जब शोकोज आया तब तो लिखा तुमने उसको माल बेचा है जब ऑर्डर पास हुआ वन फोर्टी का तो बोला माल खरीदा है दोनों सेम है चेंज ऑफ ओपिनियन अरे नो चेंज ऑफ ओपिनियन सर इट्स नॉट चेंज ऑफ ओपिनियन आपने गलत हो गए फैक्ट्री में करते अरविंद सहदेव गुप्ता की आगे जो डिसीजन है सर वो इस बात पेटेंट है, है, पे, है, है। तो यात्रा की चालू करा तो बॉम्बे हाईकोर्ट में चंद्रक साहब ने लास्ट पैराग्राफ आप नोट कर लीजिए अरविंद सहदेव गुप्ता का उस पर उन्होंने ये बात समझाई है मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है सर ये इस बात पे कि अगर असेसी के सही फैक्ट्स बताने के बावजूद भी उस ऑब्जेक्शन को ढंग से डिस्पोज नहीं किया गया तो इसी ग्राउंड पे 148 हो क्योंकि तो तो राजेश जी ऑब्जेक्शन डिस्पोजल भी प्रॉपर होना चाहिए और वन फोर्टी डी के जितने भी ऑर्डर डिपार्टमेंट ने पास किए एप्लीकेशन ऑफ माइंड तो खिमानी जी मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि जो शो को डिपार्टमेंट ने दिए और जो वन फोर्टी डी के ऑर्डर पास किए अगर उसमें फैक्ट्स की ही गलत है लिखते हुए तो क्या वो वन फोर्टी सही माना जा सकता है इन सब जजमेंट्स के बाद भी और इतने और इसी अरविंद सहदेव गुप्ता में श्रीवास्तव जी एक और बात उन्होंने लिखी आप सब नोट कर लीजिए ये भी हाँ अरविंद सहदेव गुप्ता में उन्होंने लिखा कि अगर आपने वन में रीओपनिंग इसलिए करिए कि किसी से आप कुछ डिटेल मंगाना चाह रहे हैं वेरिफिकेशन करना चाह रहे हैं उसको बोल रहे हैं कुछ कागज ले आओ 2148 वैलिड नहीं है पहले कागज मंगाओ फिर 148 करो यस और इन अदर वर्ड्स की 148 इज नॉट फॉर इन्वेस्टिगेशन 148 इज नॉट फॉर इन्वेस्टिगेशन 148 इज नॉट फॉर वेरिफिकेशन 148 इज नॉट फॉर कॉलिंग डिटेल्स राजेश भाई इन नंबर ऑफ केसेस इन द लास्ट 148 व्हिच वी हैव सीन आइडिया ऑफ कोशन मैंने पहले भी बोला शोकॉस जो दिया है 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 148 में वो शोकोस है, वो वो नहीं जैसे मैंने शेयर प्रीमियम का एग्जांपल दिया था आपने जोधपुर के केस का तो श्रीवास्तव जी ये माला कंप्लीट हुई वैसे तो बहुत कुछ और भी है पर ये अच्छा हाँ एक और डिसीजन नोट कर लीजिए फिर रह जाएगा तो आप कहेंगे गुल साहब ने कंप्लीट नहीं किया ये भी डिसीजन जैसे टी एंटरप्राइजेस की तरह है आ, आई विश मैडम आज होती तो मैं और भी हमें आनंद आता रानो जी पर उसमें अभी शायद आज मेरे को उनकी कंपनी का वो नहीं मिल रहा है

उसकी खुद की ड्यूटी और नहीं दिया गया तो इसी पे पेटी होगा बात है। आधे से ज़्यादा में रिलाइड अपॉन मेटीरियल भी, भी नहीं दिया गया रिलाइड अपॉन भी नहीं दिया गया। तो प्लस सरस्वती को करेंगे तो डेडली कॉम्बिनेशन बनेगा ये इसका नवंबर का ऑर्डर है सत्रह नवंबर दो हजार तेईस दिल्ली उच्च न्यायालय का ऑर्डर है और उसमें दो पैराग्राफ बड़े इंपॉर्टेंट है, 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 है इन्वेस्टिगेशन का लेटर आईटी का लेटर आज भाई कभी नहीं देते मांगने के बाद भी सेंक्शन भी नहीं देते और ये रिलायंट अपॉन मेटीरियल भी नहीं देते वो करें हमारी इच्छा है जैसे मैंने कहा फेयरनेस वाली बात तो टिया एंटरप्राइजेस ने सेंक्शन ना देने की वजह से भी 148 क्वेश किया और सरस्वती पेट्रोकेम ने 148 इसलिए क्वेश किया कि आपने रिलाइड अपॉन मटेरियल कंप्लीटली शशि को तो श्रीवास्तव साहब हालांकि मुझे मेरा छोटा ब्रदर कहता है यार ये सब जजमेंट जज स्पेसिफिक है मैंने कहा मानता हूँ बात पर कम से कम कोई तो है ना जो शशि की बात और दर्द समझ रहा है प्रॉपर डिस्पेंसेशन ऑफ लॉ यस एंड जस्टिस

एक तो ये कि जो डिपार्टमेंट इंटरनली जो पत्राचार करता है उसमें नंबर की जरूरत है या नहीं है डिपार्टमेंट क्या करता है इंटरनली? नहीं, नहीं आप इंटरनल किसको बोल रहे हो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है जैसे उस की जरूरत है नहीं नहीं वो अप्रेजल रिपोर्ट स्टेच्यूटरी डॉक्यूमेंट नहीं राजेश भाई पहले तो आपको कि कौन सी चीज स्टेच्यूटरी डॉक्यूमेंट है जिसका स्टेट्यूट में जन्म हो रहा है और कौन सी चीज नॉन है? हैं नहीं समझ रहे हैं हैं मैं समझ गया सर जैसे ये पूछ रहे हैं कि to JO, JO to अगर वो स्टेट्यूटेस के एक प्रोसेस के तहत है तब तो है पर अगर स्टेट्यूट के एक प्रोसेस के तहत नहीं है तब नहीं है right, श्रीवास्तव statute... ले रहा है तो, तो जरूरी है

और उसमें सॉरी फाइनल में डिफरेंस होता है तो इसी बात पे होगा। क्या, और का नाम? दिल्ली उसमें एक, एक रेशियो और 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 तो ये उनका शिवाणी जी कि जो 148 की जो वन फोर्टी की तीर्थ यात्रा जहां से शुरू हुई और जहाँ खत्म हुई अगर उसकी में नहीं है जहां से बिगिनिंग हुई तीर्थ यात्रा की और जहां समापन हुआ

उसमें कि कहानी सारी समझ में आ गया अच्छा हाँ। 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 चलो उसके बाद नोटिस ना हमारे को पता नहीं लगा हम बैंकोट वगैरा में करते रहते हैं जी उसका पता नहीं लगा हमारे उसके बाद उन्होंने

कि मैं पूरा पूरा जानता हूं ना तो उस उन्नीस बीस के 148 के नोटिस के साथ आपको सैंक्शन सप्लाई हुआ होगा तो दिल्ली हाई कोर्ट का जो हमारा टी एंटरप्राइज वाला फैसला है वो साइड करके कहिए कि 148 ही गलत है इस बात पे और दूसरा ग्राउंड लीजिए सरस्वती पेट्रोकेम के डिसीजन के बेस पे कि जितना भी ये डिपार्टमेंट ने आप पे एलिगेशन लगाया है कि आपने बोगस डोनेशन दिया है चेक देकर कैश वापिस ले लिया उसके लिए जितना भी रिलाइड अपॉन बैक मेटीरियल है क्या आपको दिया उन्होंने मेरे जानकारी में किसी में भी नहीं दिया तो सरस्वती पेट्रोकेम दिल्ली हाईकोर्ट सत्रह नवम्बर दो हजार

और ग्राउंड नंबर 2 कि आपको बैकग्राउंड मटेरियल नहीं दिया वो कहेगी मैं अभी दे देता हूं अभी देने से नहीं होगा वो पहले वो तो ट्रेन चली गई अब तो आप क्या प्रे करेंगे कि 148 प्रोसीडिंग ड्रॉप करिए और ये मानिए कि आपने 148 गलत किया था आप कहेंगे डिपार्टमेंट कभी गोलसा भी मानने वाला तो ना फिर अपील में लड़िए तो और जो तुछ... 142 में इसने हमारे से इंफॉर्मेशन मांगी है वो देनी पड़ेगी हमारे को आप उसमें पहले ये मांगिए कि उन आदमी का फिर कहिए कि पहले उसको क्रॉस एग्जामिन कराइए और पूरा पूरा बैठ ये नोट कर लीजिए क्रॉस एग्जामिनेशन की रिक्वेस्ट करिए और सारा मेटेरियल जो आपके खिलाफ उन्होंने किया उसको मांगे उनसे और ये जो मैं डिसीजन आपको लिखवा रहा हूँ एक और ये नोट कर लीजिए राजस्थान हाईकोर्ट का डिसीजन है माइक्रो मार्बल्स फोर फिफ्टी नोट कर लीजिए सर फोर फिफ्टी सेवन आई टी आर फाइव सिक्सटी नाइन फाइव सिक्स में राजस्थान हाईकोर्ट ने माइक्रो मार्बल्स प्राइवेट लिमिटेड फोर फिफ्टी सेवन आईटीआर फाइव सिक्सटी नाइन में ये लिखा है वही बात जो दिल्ली कोर्ट ने सरस्वती के में कि अगर के को नहीं तो इसी बात पे 148 इनोसेंट कैसे है पहले उनको बताना आपको कि आप कैसे है आपको आप कसूरवार कैसे हैं ये समझ लीजिए भेद आप नॉर्मल सिक्योरिटी फेस नहीं कर रहे हैं यहाँ आप पर आपको क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं ये वन है दादा बिल्कुल बिल्कुल पहले डिपार्टमेंट लाएगा उस आदमी को आगे

तो रीओपनिंग में पहला ओनर्स डिपार्टमेंट का है राधेश्याम जी की वो बताएंगे की हाउ इनकम इनकमेंट हाउ यू एव, उनका एलिगेशन है ना कि आपने जो डोनेशन एंट्री की फॉर्म रहे ना ये बात तो हमने बोगस काम किया हम नहीं कह रहे यही आपके मुंह से सुनना चाह रहा था कि हम क्यों कहेंगे अब आप मेरी बात समझ गए <laughs> हम हम तो जो हमने तो आप सर सर मैं, मैंने आप क्यों इतनी बात छेड़ी मैं समझ रहा था ना मेरे को आपको भी तो आपको भी तो समझाना है आपकी कोशिश हाँ। आपको उसको बोलना है डिपार्टमेंट को कि सर हमने सब काम ठीक किया है हमारा ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है आप बताइए कि आप किस बेसिस पे ये बोल रहे हैं कि हमने इससे एंट्री ली है डोनेशन की ठीक है

कपिल जी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना ज्ञान का भंडार लेकर आते हैं और इतने सिंपल शब्दों में और इतने अच्छे साइटेशन और सब कुछ बिल्कुल एक सिलसिलेवार एक क्रेडिट आपको जाता है जी और श्रीवास्तव साहब को जाता है ये आपका ये आपका बड़ापन <laughs> है कि आप दूसरों को दे देते हैं मगर <laughs> हम पहले कहते हैं मेरा भगवान और मेरा कुछ नहीं है इसमें बचपन में सुना था गुरु और भगवान दोनों इकट्ठे मिल जाए तो पहले किसके चू हो पाओ तो तुम्हें पहले रहे, गुरु के चाहिए राजेश अग्रवाल बुला देते हैं आपको तो तब गुरु के भी आप आ, आप सब राम रूप और है आप भगवान हो इस पूरे फील्ड के अंदर मेरे लिए आप राम रूप तो, है सब कपिल जी ग्रेट सर मैं आपको बता दूं एक और ऐड कर दूं कि कपिल जी को मैंने रिक्वेस्ट की है कि ब्लैक मनी पे सर बोले क्योंकि ब्लैक मनी में भी आजकल सर बोल रहे हैं और कंटेस्ट कर रहे हैं केसेस और जीते भी हैं

कपिल कapel जी का बहुत-बहुत शुक्रिया बहुत बहुत ये जब भी आते हैं बहुत ज्ञान प्राप्त होता है इट इज सो ब्यूटीफुल फॉर ऑल ऑफ अस कैपेल प्लीज एक चीज मैं ऐड करूं हां अरे सर प्लीज प्लीज प्लीज, प्लीज, एक प्लीज। एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे आपके ये जो है ना हमें मीटिंग मीटिंग्स मैं आपने जो ज्ञानवर्धन किया इसमें क्या हम लोग कभी एक कोई बनाते सर्टेन केस लॉस टेक अवे फ्रॉम दिस केसेस अरे यार बड़ा मुश्किल काम है था। मैंने कई बार किया है राजेश श्रीवास्तव जी अभी भी करता हूँ दोनों आपको डिस्कस करने लिए कहा ये बर्निंग टॉपिक है और इसमें मेजोरिटी जी पता है क्या आप हम हम बड़ों से आप लोगों को मैं सीखा मैं ऐसे नहीं बोल रहा सिर्फ आपको मिल और जो भी मेरे को आपसे जैसे कभी भी किसी भी और अपने आप आप से जो आप लोगों से समझ में आता है मैं खुद ये बात की बहुत ज्यादा कोशिश करता हूँ एज ए क्योंकि हमें सी प्रोफेशन ने सिखाया है कि आज यहाँ शेयरिंग करने का सेंस सिर्फ ये नहीं है कि मुझे अपने तक कोई रखना है आपको मेरे पास बुलाना या कोई भी काम है यहाँ सिर्फ एक ही सेंस है डिस्ट्रीब्यूटिव सेंस और एक ही सेंस है कि बल्कि आप मेरे पास दोबारा मेरे पूछे बात एटलीस्ट विद ऑल ह्यूमिलिटी बट आपकी बात बिल्कुल सही है कि मिस्टर गोयल कई बार इत, इत सेमिनार में हम इतनी बार बार कई जल्दी जल्दी भी डिस्कस कर रहे होते तो कोई चीजें नोट्स नहीं हो पाती तो उसको एक क्रोनोलॉजिकल सेंस में या एक बेटर सेंस मैं आपको बनाकर वन पेजर नोट चिंता ना करें मिल जाएगा गलतियां अगर तो आप सिंपल ये भी ये भी कहा जाए ना कि अरे दादा मिल जाएगा आपकी इच्छा का सरोपारी पालन होगा थैंक यू सर योर विश इज कमांड फॉर मी